असलम एवरी वन जी वालेकुम सलाम सर जी कैसे हैं आप सब खैरियत से अच्छा फाइव मिनट्स वेट कर लेते हैं सेवन फाइव पे स्टार्ट करते हैं मीन वाइल अगर किसी ने और भी ज्वाइन करना होगा तो वो भी ज्वाइन कर लेंगे सेवन फाइव पे स्टार्ट करते हैं सर वालेकुम सलाम uh, मैं आपको होस्टिंग राइट्स दे रहा हूँ सॉरी अवे ओके ओके तो so, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कल के टॉपिक से रिलेटेड कोई बात किसी ने कोई डिस्कस करनी हो या कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अभी डिस्कस कर लें या इसके अलावा कोई आपने कोई बात डिस्कस करनी हो रिगार्डिंग अवर्कआउट ओके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ कल की क्लास में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी उनमें सबसे उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बेसिकली हमारा जो टॉपिक है हमारा जो कोर्स है वो एस सी पी एफ आई सी ओ से रिलेटेड है ठीक है जिसमें हमारा एफ आई सेपरेट मॉड्यूल है और सी ओ सेपरेट है बट इनको दोनों को मिला के फीको का मॉड्यूल कंसिडर करते हैं एस सी पी एफ आई सी ओ ठीक है इसमें जैसे जब हम एफ आई की बात करते हैं तो एफ आई मीन्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड सी ओ मीन्स कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ठीक है एफ आई की जो रिपोर्टिंग होती है एफ आई के अंदर जो हमारी चीज़ें मेंटेन होती हैं वो एक्सटर्नल पर्पस के लिए होती है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए होती है और सीओ के अंदर हमारी जो भी जितनी भी हमारी रिपोर्टिंग होती है जो भी हमारे लेजर्स मेंटेन होते हैं और वो हमारी मैनेजमेंट रिपोर्टिंग के लिए होती है इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए होती है बट ये कि दोनों का एफ आई और सीओ का बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन भी है और बहुत ज़्यादा इन दोनों का एक दूसरे के साथ लिंक है और अगर आपने इंटरनली और एक्सटर्नली अपनी कंपनी को कंपनी की फाइनेंशियल को मेंटेन करना है और उसकी कॉस्ट एंड रेवेन्यू को मेंटेन करना है तो आप दोनों को यूज करते हैं एफआई को भी और सी को भी मोस्टली कंपनीज में क्या होता है कि एफआई को प्रेफर किया जाता है सी को निगलेक्ट कर देते हैं बट उसमें फिर लेटर ऑन उन उनको उस चीज की जरूरत महसूस होती है उनको कि सी की जो जो है इन्वॉल्वमेंट भी बहुत जरूरी है एफ के साथ साथ के एक्सटर्नल रिपोर्टिंग तो है बट ये कि कुछ सिनेरियोज के अंदर जिसमें मैंने कल आपको बताया था कि Uh, एक एक एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर की थी कि अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर आपकी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड करती है कि आपसे कि किसी भी प्रीवियस मंथ की सैलरी एम्प्लॉयज़ की जो है वो आप हमें निकाल के दें ठीक है तो आप मैक्सिमम डिपार्टमेंट वाइज उनको निकाल के दे सकते हैं अगर आपके पास आपकी कंपनी में दो तीन चार पाँच डिपार्टमेंट हैं तो डिपार्टमेंट वाइज आप उनकी कॉस्ट जो है या उनकी सैलरी आप उनको निकाल के दे सकते हैं बट अगर आपकी कंपनी ये रिक्वायर करती है कि एक ही डिपार्टमेंट के अंदर आगे सब डिपार्टमेंट्स हैं या सब मॉड्यूल्स हैं या सब एरियाज हैं डिविजन्स हैं तो डिवीज़न वाइज अगर आपको सैलरी निकालने के लिए कहा जाए तो वो पॉसिबल एफ के अंदर नहीं होगा तो उसके लिए हमें सी की इन्वॉलमेंट हमारी ज़रूरी होती है और सी की इन्वॉलमेंट इसलिए ज़रूरी होती है कि उसके अंदर ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको यूज़ करते हुए जो है लोअर लेवल के ऊपर जाके हम उनकी जो है डिवीज़न करते हैं डिवीज़न वाइज़ एरिया वाइज या लोकेशन वाइज हम उनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स की बेसिस के ऊपर फिर हम अपने पर्टिकुलर एरिया की कॉस्ट या रेवेन्यू या जो भी चीज निकालना चाहे वो निकाल के दे सकते हैं तो इसलिए हमें एफ के साथ सी को इन्फॉर्म करना पड़ता है तो कल हम बात कर रहे थे कि ये चीज़ सारी चीजें सारी डिफाइन करनी थी कि हमारी एफ आई की एफ के अंदर हम किन किन मॉड्यूल्स को किन किन सब मॉड्यूल्स को कवर करते हैं जिसके अंदर हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल है अकाउंट्स पेबल है जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है जर्नलाइजर अकाउंटिंग है अकाउंट्स पेबल है अकाउंट्स रिसिवेबल एसेट अकाउंटिंग कैश बैंक एंड कैश मैनेजमेंट टैक्सेशन ठीक है ये चीजें मैंने बिलीव कर दी थी घर की क्लास में बट कि थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ जनरल एजर अकाउंटिंग आप लोगों टर्म्स के साथ जो है वो अंडरस्टैंडिंग uh, आप लोगों की पहले से होगी बट ये कि मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि एस ए पी के अंदर इन चीज़ों को किस तरीके से हम इनकॉपोरेट करती है जनरल एजर अकाउंटिंग है जिसमें हमारे जीएल्स जिनके अंदर हमारी ट्रांजेक्शन पोस्टिंग होती है डेबिट क्रेडिट एंट्री हमारी पोस्ट होती हैं ठीक है और उसके अंदर हमारे वो पूरे का पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट हमारा मेंटेन होता है उसके अंदर हमारे सारे जनरल लेजर्स जीएल अकाउंट एंड मेंटेन होते हैं और उनकी बेसिस के ऊपर हमारे पूरे ट्रायल बैलेंस आगे एग्जीक्यूट होता है उसके बाद अकाउंट्स पेबल है जिसके अंदर हमारी वेंडर की वेंडर मीनस के सप्लायर जो हैं वो उनकी इन्वॉलमेंट आती है उनकी इन्वॉइस होती हैं उनकी पेमेंट्स होती हैं और उनके साथ जितनी भी हमारी डीलिंग्स होती हैं उसमें वेंडर के मास्टर डाटास लेके ट्रांजेक्शन डाटा और इनको इन, यूज करते हुए इनके बाद में जो इनके मेंटेन होते हैं सारे के सारे हमारे अकाउंट्स पेबल के मॉड्यूल के अंदर कवर होते हैं उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल है जो हमारे कस्टमर्स होते हैं हमारी कंपनी के लिए जो हमारे कस्टमर हैं जिन जिनको हम अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनकी जो भी उनके साथ हमारी डीलिंग होती है उनके मास्टर डाटा क्रिएशन होती है देन उसकी उनके पास उनके अकाउंट्स में यानी कि उनके जो कोड क्रिएट हो जाती है उनके अंदर ट्रांजैक्शंस क्रिएट होती हैं इन्वासेस पोस्टिंग होती है पेमेंट्स होती हैं फिर अकाउंट्स पेबल और रिसीवेबल के अंदर ही आगे कुछ चीजें हम मजीद डिवाइड इनको आगे लेके चलते हैं जैसे कि एडवांस पेमेंट है डाउन पेमेंट जिसको हम कहते हैं ठीक है कस्टमर और वेंडर के लिए एस के अंदर डाउन पेमेंट के लिए सेपरेट एक कन्फिग्रेशन होती है उसके अंदर स्पेशल जी इंडिकेटर जी इंडिकेटर मतलब जनरल लेजर इंडिकेटर यूज किया जाता है उससे क्या होता है कि आपके लेजर के अंदर जो आपकी डाउन पेमेंट्स होती हैं बाकी पेमेंट्स से बाकी अमाउंट से थोड़ा सा डिफरेंट रिफ्लेक्ट हो रही होती है एक इंडिकेटर के साथ वो शो हो रही होती है वहां से ये पता चल जाता है कि ये वाली पेमेंट्स जो है नॉर्मल नहीं है स्पेशल पेमेंट्स हैं इंडिकेटर के साथ आ रही हैं और ये डाउन पेमेंट्स हैं ये सिनेरियो कस्टमर के केस में भी होता है वेंडर के केस में भी होता है उसके बाद फिर हम टैक्स की इन्वॉल्वमेंट करते हैं इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स को करते हैं कस्टमर और वेंडर की, की टाइम ठीक है और इनकी कन्फिगेशन भी होती है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टैक्स टैक्सपोर्ट्स क्रिएट होती है इनपुट और आउटपुट के लिए ऑन द परस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट परसेंटेज जो हम उन कोर्ड्स को असाइन कर देते हैं और फिर उन कोर्ड्स को जब हम अपनी ऐसा uh, के टाइम यूज करते हैं तो उन कोर्स के साथ जो भी परसेंटेज हमारी असाइन होती है उसकी बेसिस के ऊपर सिस्टम एक अमाउंट को एक्चुअल uh, जो हमारी एक्चुअल अमाउंट होती है उसके ऊपर उतनी परसेंटेज की कैलकुलेशन करके एक सेपरेट लाइन आइटम इनपुट या आउटपुट टैक्स के तौर पर सिस्टम के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर क्रिएट कर देता है उसके बाद फिर एसेट अकाउंटिंग आ जाती है जैसे कि हमारे कंपनी uh, के अंदर करंट एसेट तो होते ही हैं बट कुछ फेस एसेट होते हैं जिनको हमने सेपरेटली uh, मेंटेन uh, करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ एसेट क्लासेस कि हमारी क्ला, हमारी कंपनी के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी फिक्स एसेट हैं उनको हम डिवाइड uh, कर देते हैं ऑन द ऑन द कैटेगरीज जिस जिस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले वो एसेट्स होते हैं और उनको हम क्लास वाइज डिवाइड करके उनकी परसेंटेज उनकी डेप्रिसिएशन की जो परसेंटेज होती है हर क्लास के लिए सेपरेट सेपरेट डिफाइन कर दी जाती है और उसके बाद बैंक और कैश मैनेजमेंट है कि हमारी कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं जिसमें हम बैंक को इन्वॉल्व करते हैं बैंक की इनकमिंग और आउटगोइंग गोइंग की ट्रांजेक्शन जो होती हैं जिनके अंदर, अंदर, अंदर पेमेंट कर रहे हैं वेंडर को और कस्टमर से रिसीव कर रहे हैं वही ट्रांजेक्शन हम अपने लेजर के अंदर सिस्टम के अंदर एस में इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए सेपरेट सेपरेट जीएल्स को यूज करते हुए उनको पोस्ट करते हैं और मंथ एंड पे जब हमारी बैंक रिकनसलेशन होती है बीआरएस आर एग्जीक्यूट होती है तो ये इनकमिंग और आउट की ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली रिकनसाइल होकर होके मेन अकाउंट में शिफ्ट हो जाती है मेन अकाउंट कौन सा होता है ये भी एक जीएल ही होता है और इस मेन अकाउंट की ट्रांजेक्शन हमारी बैंक स्टेटमेंट की ट्रांजेक्शन के साथ मैच होती हैं और मेन अकाउंट का बैलेंस भी बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के साथ टैली होता है हमेशा और उसके बाद ये हमारी कुछ सब uh, मॉड्यूल्स से जिनको हमने डिस्कस किया था फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांजेक्शन मास्टर uh, डाटा क्रिएट करते हैं किसी भी चीज़ का चाहे वो जीएल है कस्टमर है वेंडर है एसेट अकाउंटिंग एसेट है और बैंक और कैश मैनेजमेंट है या टैक्सेशन है ठीक है और सिमिलरली अगर हम सी uh, ओ की बात करते हैं तो सी के अंदर भी हमारे कॉस्ट एलिमेंट है कॉस्ट सेंटर्स हैं प्रोफिट सेंटर इंटरनल ऑर्डर इन सारों के भी हम पहले मास्टर डेटा क्रिएट करते हैं देन उनके अंदर भी ट्रांजेक्शन पोस्ट होती हैं और उनके लेजर्स उनकी रिपोर्ट्स मेंटेन होती हैं रिपोर्ट्स क्रिएट होती है यही स्नैरी हमारा एफ के अंदर होता है यही स्नैरी हमारा सी के अंदर होता है कॉस्ट एलिमेंट इक्वल टू जीएल एफ के अंदर जिसको हम जीएल बोलते हैं सी के अंदर उसको कॉस्ट एलिमेंट बोलते हैं सिमिलरली जो अकाउंट्स जब हम कॉस्ट सेंटर की बात करते हैं तो कॉस्ट सेंटर की बेस के ऊपर हम किसी भी डिपार्टमेंट वाइज या सब ए, ए या एरिया वाइज अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए उसको वहाँ से रिपोर्ट वाइज देख सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में किस एरिया में हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है प्रॉफिट सेंटर होता है कि हमारे जो ए, कुछ ऐसे सेल पॉइंट्स हैं या हमारी अगर प्रोडक्शन का सेटअप है ए, इन हाउस प्रोडक्शन हो रही है मैनुफेक्चरर हैं हम लोग तो उस टाइम हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनको हम प्रॉफिट सेंटर का नाम दे देते हैं प्रॉफिट सेंटर कंसिडर करते हैं और उनके ऊपर से हम अपना प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं उसके लिए एक एक्टिविटी एक टर्म यूज़ की जाती है प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग ठीक है वो हम अपने सिस्टम के अंदर एक्टिवेट कर देते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हर डॉक्यूमेंट डौ, के अंदर एंट्री के टाइम आप प्रॉफिट सेंटर ऐड करते हैं और कॉस्ट सेंटर भी ऑटोमेटिकली ऐड होता है जब प्रॉफिट सेंटर और कॉस्ट सेंटर का दोनों का मास्टर डेटा एक दूसरे के साथ लिंक होता है आगे जाके स्क्रीन व्यू कराऊंगा जिसके अंदर कॉस्ट सेंटर का मास्टर डाटा मैं आपको दिखाऊंगा और उस कॉस्ट सेंटर के अंदर हमारा प्रॉफिट सेंटर की एक फील्ड होती है उसके साथ उनका दोनों का लिंक होता है फाइनली उसके बाद इंटरनल ऑर्डर आता है हमारा कि अगर हमने कोई इवेंट अरेंज किया है या कोई सेमिनार है या कोई फंक्शन है या कोई भी इवेंट है या कोई रेनोवेशन है कंपनी जो बिल्डिंग की हमारी या किसी भी किस्म की ऑफिस की हो सकती है उसके लिए हम एक सेपरेट ऑर्डर क्रिएट कर लेते हैं इंटरनल ऑर्डर उसको कहते हैं और उसके ऊपर फिर सारी की हमारी जो उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए या पर्टिकुलर एरिया के लिए या बिल्डिंग के लिए जो हमारी कॉस्ट अगर हो रही, हो, रही, हो रही होती है वो सारी की सारी हम उस ऑर्डर के ऊपर पोस्ट कर देते हैं तो एट द एंड जब हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हम उस ऑर्डर के ऊपर एनालिसिस कर लेते हैं कि इस ऑर्डर के ऊपर कितनी पोस्ट जो है वो आई है ये सारी बेसिक कॉन्सेप्ट है बट ये कि सारी चीजों को हम एस के अंदर किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करेंगे आज मैं आप लोगों के साथ एस की स्क्रीन भी शेयर करूंगा फ्रंट एंड से भी बैक एंड से भी किस तरीके से इनकी कन्फिग्रेशन होती है तो सबसे पहले हम एस के अंदर डिफाइन करते हैं कंपनी को और उसके बाद कंपनी कोड को डिफाइन करते हैं देन दोनों को लिंक करते हैं और ये आज मैं थोड़ा सा आपके सामने परफॉर्म करता हूँ ये एक्टिविटीज किस तरीके से हम करते हैं ये एस की होम स्क्रीन है जो आप लोग देख रहे हैं ठीक है और इसमें आ... लॉग इन करने के बाद जब आप आप लोग भी जब यूज करेंगे इसको प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को असाइन किए जाएंगे यूजर्स ठीक है तो आप लोग भी आप लोगों के पास भी ऐसी ही स्क्रीन होंगी तो उसमें ये एक आपको यहाँ पे एक प्लेस नजर आ रही है एक फील्ड नजर आ रही है यहाँ पे अपने ट्रांजेक्शन कोड या टी कोड हमने जिसको हम कहते हैं वो ऐप ऐड करते हैं यहाँ से आप कन्फिग्रेशन पे दो तरह दो तरह से इस स्क्रीन से हम इस स्क्रीन को यूज करते हैं हम दो तरह से ट्रांजेक्शन को ऑपरेट uh, कर सकते हैं एक बैक से ट्रांजेक्शन होती हैं जो कि कन्फिग्रेशन की होती हैं जो कि कंसल्टेंट लोग यूज़ करते हैं और हमारी इस ट्रेनिंग का पार्ट भी है इस ट्रेनिंग के अंदर हम कंसल्टेंट लेवल की ट्रेनिंग भी आप लोगों को देंगे और फ्रंट एंड की जो एंड यूजर की ट्रेनिंग होती है वो भी देंगे तो इसी स्क्रीन को हम यूज़ करेंगे अगर हम यहाँ पे एस पी आर ओ का एक टी कोड मैं यहाँ पे अगर ऐड करता हूँ एस पी आर ओ तो इसके बाद मैं जिस स्क्रीन पे आऊँगा एस एपी रेफरेंस आई एम जी तो यहाँ पे जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है ये कंसल्टेंट लेवल की स्क्रीन है कंसल्टेंसी के अंदर जितनी भी हमारी कंफिग्रेशन uh, होती है कंसल्टेंट जो लोग करते हैं वो सारे इस स्क्रीन को यूज करते हैं अब इसमें देखिए कुछ आपको डिफरेंट मॉड्यूल्स नजर आ रहे होंगे लाइक uh, अगर हम फाइनेंशियल की बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसके बाद कंट्रोलिंग का मॉड्यूल आ जाता है प्लानिंग आ जाती है और रियल एस्टेट आ जाता है फ्लेक्स इसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं बट हमारे जो मॉड्यूल जब हम अपने मॉड्यूल की बात करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ जाती है उसके साथ कंट्रोलिंग आ जाती है यहाँ से मैं इन दोनों को व्यू करवाता हूँ पहले आप थोड़ा सा फाइनेंशियल अकाउंटिंग को देखते हैं बट हम कंपनी कहाँ से डिफाइन करते हैं कैसे क्रिएट करते हैं वो सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा बट ये कि थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम किन किन चीज़ों को देखते हैं ये कन्फिग्रेशन है सारी ठीक है इसमें अगर हम फर्स्ट स्टेप पे आते हैं जनरल लेजर अकाउंटिंग में आते हैं तो इसके अंदर मास्टर डाटा जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि मास्टर डाटा की, की क्रिएशन होती है बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम प्री बैकहेंड से डिफाइन करते हैं कन्फिगर करते हैं तो मास्टर डाटा के अंदर जीएल अकाउंट्स जो कि हम जनरल अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जितना भी हम चीजों को कवर करेंगे वो सारे जीएल के साथ उनका लिंक होगा तो जीएल अकाउंट्स के अंदर आप डिफरेंट चीजें देख रहे होंगे प्रिप्रेशन है जीएल अकाउंट क्रिएशन है प्रोसेसिंग उसके बाद लाइन आइटम्स है लाइन आइटम वो होती हैं जो आपकी क्रिएशन हो रही होती है और आपकी लाइन आइटम सिस्टम के अंदर लेजर्स के अंदर मेंटेन हो रही होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन होते हैं क्रिएट कॉस्ट एलिमेंट ये भी आपके कॉस्ट एलिमेंट इस साइड पे इसलिए आ रहा है कि जब हम मैंने आपको बताया था कि हमारा एफ के अंदर जिसको हम जीएल बोलते हैं सी के अंदर उसी को हम कॉस्ट एलिमेंट बोलते हैं तो वो भी इसी एरिया के अंदर आएगा ठीक है और उसके बाद कॉस्ट एलिमेंट अगर आप ग्रुप बनाना चाहें पहले कॉस्ट सेंटर जिस तरह हम कहते हैं कॉस्ट कॉस्ट सेंटर सेंटर बात बात की करते हैं तो कॉस्ट सेंटर भी किसी ना किसी कॉस्ट सेंटर ग्रुप के अंदर फॉल कर रहा होता है सिमिलरली जब कॉस्ट एलिमेंट की बात करते हैं तो वो भी किसी ना किसी कॉस्ट एलिमेंट ग्रुप के अंदर फॉल कर रहा होता है एंड प्रॉफिट सेंटर अगर आप डिस्कस करते हैं तो प्रॉफिट सेंटर भी प्रॉफिट सेंटर ग्रुप के अंडर ही फॉलो कर रहा होता है तो इन चीजों की हिराकी मेंटेन होती है टॉप नॉट मेंटेन होती है सबसे टॉप पे होती है जो ग्रुप जो मेन ग्रुप होता है कॉस्ट सेंटर का प्रॉफिट सेंटर का और उनके अंडर फिर ग्रुप्स बनते हैं जिनको हम प्रॉफिट सेंटर ग्रुप या कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स कहते हैं या कॉस्ट एलिमेंट्स ग्रुप्स कहते हैं और उनके अंडर फिर हमारे कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर और कॉस्ट एलिमेंट्स मेंटेन होते हैं ठीक है तो ये सारी चीजें हम यहाँ से डिफाइन करते हैं अगर हम फॉर एक्जाम्पल प्राइपेशन में आते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट अब यहाँ पे हमने चार्ट सिस्टम को ये बताना है कि हमने अपनी कंपनी कोड के लिए या हमने भी अपना जो भी सिस्टम यहाँ पे कंफिगर करना है अपनी कंपनी के लिए उसके अंदर हमने जो चार्ट ऑफ अकाउंट की स्पेसिफिकेशन डिफाइन करनी है वो आप यहाँ पे सिस्टम को बता देंगे ये बैकेट से हम एक दफा चीज डिफाइन कर देंगे जो बैकेट की कंफिगरेशन होती है वो वन टाइम होती है और उसमें बाद में बाद में अगर आपको किसी और चीज़ की एडिशनल की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसमें एनहैंसमेंट की बेसिस के ऊपर उसमें एडिशन डिजलिशन कर सकते हैं बट ये कि इनिशियल जो रिक्वायरमेंट होती है कन्फिग्रेशन की वो फर्स्ट टाइम में कर दी जाती है ठीक है जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कंप्लीट कर दी जाती हैं आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ विद द मैनेजमेंट कि जो uh, हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती हैं उनको देखते हुए हम पूरा एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं ठीक है उनकी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको हम थ्रू ई मेल्स या जिन जो भी उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है थ्रू प्रॉपर चैनल वो हम उनको लेके रिक्वायरमेंट्स लेके उसको फुलफिल करते हैं सिस्टम के अंदर कन्फिगर करते हैं और उसका पूरा एक ब्लू हम क्रिएट करते हैं सिस्टम के अंदर एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं और पूरा फ्लो चार्ट फ्लो उसको सिस्टम के अंदर एक्सप्लेन कर देते हैं जिसके अंदर ये चीज़ कन्फिगर कर दी बता दी जाती है कि हमने सिस्टम को किस तरीके से कन्फिगर किया है और आपके सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं बेसिकली देखें जब कंपनी के अंदर हम एस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो लोग तो अभी इनिशियली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एंड यूजर होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हमारे सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या कन्फिगरेशन हुई हैं तो पूरा जो भी कन्फिगरेशन होती है पूरा उसका एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है ब्लू की शक्ल में उनको प्रेजेंट कर दिया जाता है उनकी मैनेजमेंट को भी और उनके जो एंड यूजर होते हैं वो उसको स्टडी भी करते हैं और उसको उनको पता चलता है कि हमारे पास हमारे इस कंपनी में जो एस इंप्लीमेंट हुआ है लॉन्च हुआ है उसके अंदर कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन कौन कौन सी करैक्ट्रिस्टिक्स और कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनके अंदर हम रहते हुए काम कर सकते हैं बट उसके बाद इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जब आपकी जो जे होती हैं जो आपके इम्प्लॉज़ की जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती हैं उनके अकॉर्डिंगली उनके एरियाज़ के अंदर उनको कुछ टी कोड्स असाइन कर दिए जाते हैं उनको ऑथराइज कर दिया जाता है लाइक like अगर एक बंदा अकाउंट्स पेबल पे, पे काम कर रहा है वेंडर्स को डील कर रहा है तो उसको अकाउंट्स पेबल के पे पे कुछ टी कोड्स ट्रांजेक्शन कोड्स की ऑथराइजेशन उसके यूजर पे असाइन कर दी जाती है लाइक like मेरा यूजर है मेरे नाम से कुछ आपने देखा होगा कंपनीज के अंदर सिस्टम्स के ऊपर यूजर लोगों के बने होते हैं उनकी डेजिग्नेशन वाइज भी अगर कोई फॉर एग्जाम्पल असिस्टेंट मैनेजर है तो असिस्टेंट मैनेजर के नाम से असिस्टेंट मैनेजर वन टू थ्री एंड सो ऑन जितने भी आपके वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर्स हैं उनके बाय बाय डेजिगनेशन वाइज यूजर जो है असाइन किए जाते हैं या उनके नेम वाइज किए जाते हैं एस के अंदर भी ऐसा ही होता है आप एक यूजर को मल्टीपल लोग भी यूज कर सकते हैं और एक यूजर आप नेम uh, वाइज भी यूजर क्रिएट कर सकते हैं हर पर्सन का सेपरेट सेपरेट यूजर भी क्रिएट किया जा सकता है ठीक है तो जो भी यूजर होगा उसको उसके पर्टिकुलर टी की ऑथराइजेशन दे दी जाएगी और उन्हीं टी कोर्ड्स के अंदर रहते हुए वो अपने एरिया के अंदर रहते हुए अपने काम करेगा ठीक है ये uh, ऐसा नहीं होगा कि अकाउंट्स पेबल का बंदा अकाउंट्स रिसीवेबल में भी उसके जो है उसके टी कोड्स को उसकी स्क्रीन को उन चीज़ों को देख सकता है ऐसा सिनेरियो नहीं होता जो जिसकी जेडीज होती है क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सेंसिटिव एरियाज होते हैं जो दूसरे मॉड्यूल्स के अंदर होते हैं तो उसमें ऐसा सिनेरियो आप नहीं कर सकते हम ऐसी ऑथराइजेशन नहीं दे सकते किसी भी यूज़र को जो कि अपनी अपनी फील्ड से अपने जे डी से हट के किसी और की जो एक्टिविटी है उसको देख सके या उसको परफॉर्म कर सके ठीक है बट ये कि अगर इन केस कोई भी बंदा कोई भी एक्टिविटी एस के अंदर सिस्टम के अंदर परफॉर्म करता है तो उसका डाटा मेंटेन होता है उसका लॉग क्रिएट होता है ईच एंड एवरी जो जो आप देख सकते हैं कि किस बंदे ने कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की है अगर किसी चीज़ को डिलीट किया है अगर किसी चीज़ को ऐड किया है क्रिएट किया है एडिट किया है कुछ भी किया है टेबल्स के अंदर डाटा मेंटेन हो रहा होता है जो जैसे आपने देखा होगा डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर डाटा मेंटेन हो रहा होता है स्टोर टेबल्स में तो एस के अंदर भी पूरा एक जो है इसकी एक सेटिंग होती है कन्फिग्रेशन होती है जिसके अंदर सारे का सारा डाटा आपका किसी भी किस्म का हो कन्फिग्रेशन का हो या ए, 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 एंड यूजर का हो आप कोई भी चेंज करते हैं कोई भी चीज क्रिएट करते हैं डाटा मेंटेन हो रहा होता है आपका टेबल्स के अंदर वो टेबल कहाँ पे है वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगा कि एस के अंदर कुछ टेबल्स जो है वो मेंटेन होते हैं बट मैं अभी बात हुई है तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ एस ई सिक्सटीन एन का एक टी कोड हम यूज करते हैं टेबल्स के लिए ठीक है जनरल टेबल डिस्प्ले अब यहाँ पे हमने सिस्टम को बताना है कि टेबल हमने कौन सा देना है और उस टेबल के अकॉर्डिंगली सिस्टम फिर हमें डाटा शो करेगा अब यहाँ पे कस्टमर्स के लिए वेंडर्स के लिए एसेट्स के लिए जीएल्स के लिए कॉस्ट सेंटर के लिए प्रॉफिट सेंटर के लिए कॉस्ट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट चीजों के लिए सेपरेट सेपरेट जो है वो टेबल्स मेंटेन हुए हैं उनके कोर्ड हैं सेपरेट कोर्ड्स हैं फॉर एग्जाम्पल ए एन एल ए मैं अभी अभी चूंकि ये ब्लैक है सिस्टम बट फिर भी मैं यहाँ पे एक आ, टेबल का एक कोड ऐड करके आपके सामने एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं अगर यहाँ पे कुछ डाटा पड़ा हुआ बेसिकली ये एसेट का टेबल है एसेट मास्टर डाटा कि ये आपका आपके सिस्टम के अंदर अगर आपने कोई एसेट क्रिएट किया है तो उसका मास्टर डाटा यहाँ पे शो हो जाएगा बट इसको चेक कर लेते हैं अभी ये क्लाइंट जो है डमी क्लाइंट है बिल्कुल इसमें बहुत सारी कॉल पड़े बड़े हुए डिफरेंट कंपनी कोड्स के ऊपर क्रिएट हुए हैं जैसे अब ये ये एसेट की फील्ड है सेकेंड वाली ठीक है ये सारे के सारे एसेट्स हैं आगे किस और किस एसेट क्लास के अंदर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं वो ये सा, सारी एसेट क्लासेस हैं और उनके बाद क्रिएटेड बाय किस बंदे ने किस पर्सन ने या किस यूजर ने इसको क्रिएट किया उसका यहाँ पे नेम आ रहा है या डेजिग्नेशन आ रहा है और किस डेट में क्रिएट हुआ ये पुराना डाटा यहाँ पे सिस्टम शो कर रहा है ठीक है तो ये सारा इस तरीके से यहाँ पे सिस्टम मेनटेन करा होता है ये उस एसेट की डिस्क्रिप्शन है उसका नेम है जो कि सिस्टम के अंदर क्रिएट हुआ है ठीक है और यूजर का नाम भी आ रहा होता है टाइम भी आ रहा होता uh, uh, है उसके बाद कुछ ट्रांजेक्शन होती हैं ट्रांजेक्शनल डाटा वो आप हाँ यहाँ से देख सकते हैं ठीक है अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं ये आपकी कंपनी कोड की level, uh, की वेस के ऊपर आपके जो वेंडर का डाटा होता है अभी ये देखिए वेंडर का कोड है ठीक है वेंडर का कोड जो मैं आपको कह रहा था कोड एक मेंटेन हो जाता है सिस्टम के अंदर एक उसका मास्टर डाटा क्रिएट हो जाता है और उसी की बेस पे फिर आगे आगे ये आपके डॉक्यूमेंट पोस्ट हुए इस वेंडर के अंदर ये वाले डॉक्यूमेंट सारे पोस्ट हुए हैं ठीक है आगे किस किस डेट में हुए और कौन सी करेंसी के अंदर हुए ये सारी चीजें यहाँ पे ऐड हो रही है एक टीपो टेबल होता है बीस एक् बहुत इंपॉर्टेंट जो है एड ये टेबल है इसके अंदर आपने अपने सिस्टम के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन डेबिट और क्रेडिट में पोस्ट किए सिस्टम यहाँ पे आपको डेबिट भी दिखाएगा क्रेडिट भी दिखाएगा ठीक है कोई भी लाइन आइटम आप यहाँ से मिस नहीं कर सकते अब देखें इसमें एक डॉक्यूमेंट के साथ दो दो लाइन आइटम्स आ रही होंगे जैसे देखिए इस डॉक्यूमेंट का नंबर क्या है एस डेबिट के, के लिए आपने किसी भी चीज को व्यू करना है तो उसको यहाँ पे क्लिक करके साइड पे ऑप्शन आ रही है तो इसको क्लिक करके उसको व्यू कर सकते हैं कि एस और डी किस चीज के लिए एस और एच किस चीज के लिए स्टैंड हैं ठीक है आगे उसकी करेंसी है और ये अमाउंट है कि इस अमाउंट के अंदर इतनी अमाउंट के अंदर ये मेंटेन हुआ है ये क्रिएट हुआ है, पोस्ट हुआ है ये सारे इस तरीके से डाटा टेबल के अंदर एक्टिविटी करते, करते हैं या ट्रांजेक्शन डाटा क्रिएट करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो सिस्टम के अंदर डाटा मेंटेन हो रहा होता है स्टोर हो रहा तो बात हम बात कर रहे थे चार्ट ऑफ अकाउंट की तो चार्ट ऑफ अकाउंट हमने सिस्टम को स्टार्टिंग पे बता देना कि उसकी लैंग्वेज क्या होगी उसके अंदर जो जी क्रिएट होंगे उनकी लेंथ कितनी होगी कितने मैक्सिमम लेंथ तक कितने डिजिट्स तक जो है हमारे जी की क्रिएशन होगी फॉर एग्जांपल मैंने जैसे यहाँ पे आपको बताया था कि इनकी लेंथ मैंने सिक्स करेक्टर्स तक सिक्स डिजिट्स तक रखी है ठीक है आप इसको मैक्सिमम टेन करेक्टर्स तक ऐड कर सकते हैं उसमें हमारे पास एक ऑप्शन होती है ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी के वॉल्यूम के ऊपर आपकी कंपनी के बिजनेस के ऊपर जितना ज्यादा एक्सपेंडेड आपका बिजनेस होगा उतनी ही आप जीएल्स की लेंथ को एक्सपेंड कर सकते हैं मींस कि अगर आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एट कैरेक्टर्स तक एट डिजिट्स तक इसकी लेंथ रखता हूँ और इसके बाद मैं इसमें फॉर एग्जांपल टेन थाउजेंड एड कर लेता हूँ तो कितना डिफरेंस हो गया अब ये means के asset के account group के अंदर मैंने GLs create कर सकता ठीक है? और अभी मैं अगर हर के अंदर 10 ,000, 10 ,000 GLs create कर तो जो कि बहुत ज़्यादा है Normally क्या होता है? मिड uh, लेवल की जो कंपनीज होती हैं उनके अंदर भी एक अकाउंट ग्रुप के अंदर फाइव हंड्रेड या मैक्सिमम थाउजेंड तक की होती है, इससे ज्यादा जीएल्स की क्रिएशन के लिए लिमिट डिफाइन नहीं की जाती बट ये कि अगर आप इसको इनिशियली ये एक लिमिट असाइन कर देते हैं कि इस नंबर से लेके इस नंबर तक हमारे एसेट के अकाउंट ग्रुप की लिमिट रहेगी बट बाद में आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं मीन्स की यहाँ पे आप इसको ट्वेल्व थाउजेंड कर ट्वेल्व थाउजेंड कर दें ठीक है आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं आ, लेकिन ये है कि इसके और नेक्स्ट वाला जो नंबर है उसके साथ बीच में स्पेस होनी चाहिए बिल्कुल कंजक्टिव नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वाला नंबर जो है इसके साथ ओवरलैप होता हो तो देन आपके लिए प्रॉब्लम होगी लेकिन ये कि ऐसा नहीं होता जब हम कंफिगरेशन करते हैं तो इसमें इतना अच्छा खासा मार्जिन रखा जाता है कि एक अकाउंट ग्रुप की है और दूसरे अकाउंट ग्रुप की जो नंबर रेंज है उसमें आपस में ओवरलैपिंग ना हो फिर कंपनीज के अंदर जब ऐसे भी इंप्लीमेंट हो होता है चल रहा होता है तो और ऐसे भी लोग काम कर रहे होते हैं तो नॉर्मली उनको पता चल जाता है कि हमारी जो एसेट के अकाउंट ग्रुप के जो है, वो जीएम से स्टार्ट हो रहे हैं जो शेयर कैपिटल के वो टू से हो रहे हैं लाइब्रिटी वाले भी टू से हो रहे हैं बट आगे जाके सिक्स डिजिट उसमें हो जाता है सिमिलरली सेल्स के जो है वो थ्री से हैं और एक्सपेंसेस की फोर से हैं ठीक है नॉर्मली जब चीज़ें रनिंग में चल रही होती हैं तो आपके जो यूजर होते हैं उनको डिजिट को दे के कोड को देख के अंदाजा हो जाता है कि ये किस अकाउंट ग्रुप का जी है तो बेसिकली हम सिस्टम को ये बताते हैं जब हम ये जी एल डिफाइन करने होते हैं तो हम सिस्टम को इनिशियली बताते हैं कि हम जो चार्ट ऑफ अकाउंट डिफाइन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने अभी चार्ट ऑफ अकाउंट का ओपन किया एरिया एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट का मतलब है कि यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में अपने सिस्टम के लिए जो भी कन्फिगर करूंगा उसकी डिस्क्रिप्शन या उसकी डिटेल में यहाँ पे ऐड करने लगा हूँ न्यू एंट्री पे आते हैं यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी अभी तो मैं इसको प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ लेकिन जब इनिशियली आप लोग भी अपना वर्किंग स्टार्ट कर लेंगे ठीक है फिर प्रॉपर तरीके से मैं आपको ये बताऊंगा कि पूरे कंपनी मैं आपके सामने क्रिएट करूंगा एक्स वाई जी वन ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैं ये इसका कोड रख लेता हूँ और आगे इसकी डिस्क्रिप्शन कर लेता हूँ एड चार्ट अकाउंट फॉर एक्स वाई जी वन राइट और यहाँ पे मैं लैंग्वेज मेंटेन करूँगा इंग्लिश लैंग्वेज मल्टीपल लैंग्वेज हैं बट हम इसको इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं इंग्लिश के लिए इंग्लिश के बाद हम यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ उसको सिस्टम को देंगे कि हमारे जो जी की लेंथ होगी जो उसके डिजिट्स होंगे वो मैक्सिम कितनी लेंथ तक होंगे तो आप मैक्सिमम टेन तक डिफाइन कर सकते हैं ठीक है मैक्सिमम एस के अंदर मैक्मम टेन करेक्टर्स तक टेन डिजिट्स तक आप जी को क्रिएट कर सकते हैं बट नॉर्मली आप सिक्स सेवन एट नॉर्मली यही यूज होते हैं सिक्स होते हैं सेवन होते हैं टेन भी करती हैं कंपनीज जो जिनका वॉल्यूम या जिनका बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड होता है बट उनको भी टेन को डिफाइन करने के बाद भी उनको जो है वो उनके अंदर अच्छी खासी रेंज होती है जो कि फ्री पड़ी रहती है जो कि यूज नहीं होती तो फॉर एग्जाम्पल आप जहाँ पे अगर सिक्स या एड कर एट ऐड कर लेंगे और उसके बाद उसको यहाँ से सेव कर देंगे तो ये आपका एक सिस्टम के अंदर एक एंट्री सेव हो जाएगी अब क्या हुआ है कि मैंने ये चार्ट ऑफ अकाउंट का कोड ही रख दिया है उसकी डिस्क्रिप्शन ही <laughs> तो मैंने ये कोड सिस्टम को बता दिया कि हमारा जो कंपनी है उसका जो चार्ट अकाउंट होगा उसका कोड एक्स वाई जी वन होगा और उसकी डिस्क्रिप्शन ये होगी और उसकी लैंग्वेज ये होगी और उसकी जो डीएल की लेंथ होगी वो मैक्सिमम इतनी होगी ठीक है ये हम फर्स्ट टाइम पे सिस्टम को डिफाइन कर देते हैं सिस्टम को बता देते हैं बट उसके बाद जब हम यहाँ पे ये चीज डिफाइन कर देते हैं और अपनी कंपनी कोड के साथ नेक्स्ट स्टेप पे हम अपनी कंपनी कोड के साथ उसको लिंक कर देंगे बेसिकली फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी अगर कंपनी है लाइक मेरी एक कंपनी है डाई टी डी वो मैं आपको शो करवाता हूँ ठीक है ये मेरी कंपनी है पहले से मैंने बनाई हुई है अपनी सिस्टम के अंदर तो ये मैंने उसके सामने उसका चार्ट ऑफ अकाउंट डिफाइन किया है ठीक है उसको असाइन कर दिया मीन्स के मेरा कंपनी कोड के का जो चार्ट ऑफ अकाउंट है वो ये वाला है और इसको मैं अभी प्रीवियस में दिखाता हूँ जो मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट अपने लिए डिफाइन किया था जेड आई टी डी का यहाँ से आप पोजिशन पे रख के उसको देख सकते हैं जो भी आपने चीज़ डिफाइन की है ये मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट था मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए मैंने इसकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश रखी है और इसकी लेंथ जो है सिक्स रखी है ठीक है अब ये ये तो बेसिकली हमारी चीजें हम कन्फिग्रेशन के टाइम सिस्टम को बता देते हैं बट इस एक नया सेशन ओपन करके मैं इसका आपको दिखाता हूँ कि फ्रंट एंड के ऊपर हमारा इसका क्या इफेक्ट फैक्टर एफ एस डबल जीरो फ्रंट एंड की स्क्रीन है ठीक है अब ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन ये फ्रंट एंड की है यहां पे जो ये अकाउंट ग्रुप्स देख रहे हैं ये आपके फ्रंट एंड के जो क्रिएशन uh, करने वाले जो लोग होते हैं या जो यूज करने वाले लोग होते हैं वो ये यूज कर रहे होते हैं अब यहाँ पे देखें एसेट के अकाउंट ग्रुप के अंदर मल्टीपल जीएल्स हैं उसके बाद फिर आप एक्सपेंसेस के अकाउंट ग्रुप्स के अंदर कुछ जीएल्स हैं मल्टीपल अकाउंट ग्रुप्स हैं ठीक है तो अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई एक जीएल सेलेक्ट करता हूँ ट्रैवलिंग एक्सपेंस का एक्सपेंस का सेलेक्ट कर लेता हूं अब जैसे ही मैंने इसका रेंट एक्सपेंस का जीएल मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो सिस्टम ने सारे सामने जो है वो मास्टर डाटा की सारी डिटेल सिस्टम ने शो कर दी ठीक है अब जैसे ये इसका कोड है अब ये कोड कितने करेक्टर्स का है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स करेक्टर्स सिक्स डिजिट्स का है बट ये सिक्स डिजिट्स का मैंने तभी में पॉसिबल हुआ मैं इसको क्रिएट करने के लिए जब मैंने सिस्टम को पीछे बताया था कि ये मेरा जो चार्ट ऑफ अकाउंट है इसके अंदर जो जी की क्रिएशन होगी मैक्सिमम सिक्स डिजिट्स तक होगी सिक्स से ज़्यादा इसकी लेंथ नहीं होगी मैंने कहाँ पर बताया था सिस्टम को यहाँ पे बताया था ये देखिए मैंने सिक्स दिया अब यहाँ पे मैं अगर सिक्स डिफाइन करके उसके बाद यहाँ पे आके अगर उसको सेवन या कोई और देना चाहूँ फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने क्रिएशन करता हूँ <coughs> और मैं एक नया जीएल क्रिएट करता हूँ आपके सामने यहाँ पे जर्नलाइज जिसको हम बोलते हैं ठीक है थीके? इसका मेरा नंबर जो है फोर था तो अब मैं फ़ाइव देता हूँ मैंने एंटर किया अब ये सामने सारी चीज़ें जो है वो एडिटेबल uh, मोड में आ गई अब यहाँ पे मैं इसको बाई नेम इनको uh, चीज़ों को डिस्क्रिप्शन इसकी चेंज कर सकता हूँ ये सारी चीज़ें मैं बैक स्पेस करके इनको मैंने डिलीट किया अब मैं यहाँ पे कोई नया जीएल क्रिएट करता हूँ फॉर एक्जाम्पल ऑफिस ऑफिस एक्सपेंस का रख लेते हैं ठीक है ऑफिस एक्सपेंस का पहले से नहीं है ओके okay. इसके बाद यहाँ पे भी मैं <coughs> डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ ये शॉर्ट टैक्स के लिए होती है ये लॉन्ग टैक्स के लिए होती है आप पूरा यहाँ पे डिटेल इसका जो है लिख सकते हैं इसके बाद मैंने सिस्टम को बताना है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का जीएल है या बैलेंस शीट का जीएल है जो भी होगा मैं उसका रिलेवेंट अकाउंट टाइप जो होगी वो मैं सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद यहाँ से अकाउंट ग्रुप मैं सिलेक्ट करूंगा कि किस अकाउंट ग्रुप के अंदर मैं ये जीएल क्रिएट कर रहा हूँ एसेट का है एक्सपेंस का लाइब्रिटी शेयर कैपिटल जो भी होगा उसका रेलिवेंट मैं सिलेक्ट करूंगा अब जैसे ही आप देखें मैं किस अकाउंट ग्रुप के अंदर क्रिएट कर रहा हूँ एक्सपेंस की फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बाई मिस्टेक एसेट सेलेक्ट कर लेता हूँ तो सिस्टम मुझे फॉरन एर दे दे देगा कि आपका जो सी ए एस टी का यानी जो करंट एसेट का आपका ग्रुप है उसके अंदर नंबर रेंज तो आपने ये डिफाइन की हुई है ठीक है आप तो फोर वाली सीरियल के अंदर क्रिएट करें बट आपका जो ये वाला ग्रुप आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया इसकी नंबर रेंज तो ये वाली है ये हमें सिस्टम ने कैसे सिस्टम को पता चला कि ये नंबर है ये हम सिस्टम हम पीछे डिफाइन करके आए हैं मैं आपको भी दिखाता हूँ हम उस स्क्रीन कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं वापस और यहाँ से देखें नीचे अकाउंट ग्रुप आ रहे डिफाइन अकाउंट ग्रुप्स मैं यहाँ पे आता हूँ मैं अपना चार्ट ऑफ अकाउंट सर्च करता हूँ जेड आई टी डी सॉरी ये दूसरे अकाउंट ग्रुप में है, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस अकाउंट ग्रुप के अंदर हमारे किस चार्ट अकाउंट के अंदर है ये वाला बी ई सी एल मैं इसके अंदर दिखाता हूँ आपको बी ई सी एल अब ये देखें बी ई सी एल चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर हमारे मल्टीपल ग्रुप्स बने हुए जो कि हमने सिस्टम को कंफिग्रेशन के टाइम बता दिया था अब एस, एसेट का जो अकाउंट ग्रुप है सी ए एस टी उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है उसकी नंबर रेंज क्या है लेके ऑनवर्ड फोर था वन फोर डबल जीरो तक तो सिस्टम ने हमें जो एर दिया वो भी यही दियारो वन जीरो तक कि आपने जो एसेट का अकाउंट ग्रुप डिफाइन किया है सी ए एस टी यहाँ पे यही आ रही डिस्क्रिप्शन सी ए एस टी ठीक है कि इस ग्रुप की जो नंबर रेंज है वो तो ये वाली है तो आप ये फोर वाले में क्यों कैसे क्रिएट कर सकते हैं ठीक है थीके? तो ये चीज होती है अगर हम बाई मिस्टेक यहाँ पे डी ट्रैक हो रहे हो तो सिस्टम हमें पकड़ लेता है सिस्टम हमें फॉरन एरर दे देता है ऐसा नहीं होगा कि सिस्टम कहेगा ठीक है आप क्रिएट कर दें कोई मसला नहीं सिस्टम हमें डी ट्रैक नहीं होने देगा चीजों को जो है वो कंट्रोल में रखता है तो अगर आप देखें ये एरर आ गया इसी तरीके से सिस्टम एरर देता है तो मैं अगर दोबारा एक्सपेंस को क्लिक करता हूँ तो सिस्टम ने एर रिमूव कर दिया अब वो कहता है कि आप सही है अब आप, आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं कि आप ये जो जीएल क्रिएट करें आप पर्टिकुलर अकाउंट ग्रुप के अंदर आपके अपने जो सही अकाउंट ग्रुप है उसी के अंदर क्रिएट करें तो मैंने उसको उसको एयर उसने एरर रिमूव कर दिया इसके बाद मल्टीपल आपकी यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स आ रही हैं टैब आ रही हैं लाइक like आप कंट्रोल डाटा पे आते हैं कंट्रोल डाटा के अंदर आपकी कंपनी की जो करेंसी है वो यहाँ पे मेंटेन होगी बाय डिफॉल्ट आ, आ जाती है क्योंकि जब आपने ये कंपनी कोड को अपनी एक करेंसी डिफाइन कर दी उसको बता दिया कि हमारा ये कंपनी कोड किस करेंसी के अंदर मेंटेन होगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली जीएल की क्रिएशन के टाइम वही करेंसी यहाँ पे उठाएगा ठीक है उसके बाद मल्टीपल फील्ड हैं जो कि हम विद पैसेज ऑफ टाइम इनका यूज आएगा लाइक टैक्स की एंट्री है लोकल करेंसीज है ओपन आइटम मैनेजमेंट है लाइन आइटम डिस्प्ले है और सॉर्ट की की यहाँ पे हम एक सॉर्ट की आती है हमारी कि हमारा इस जीएल का डाटा जो है वो किस बेस पे पेट हो लाइक like, पोस्टिंग डेट पे हम सिलेक्ट करते हैं जैसे कि अगर फर्स्ट दिसंबर का एंट्री पोस्ट होगी सेकेंड दिसंबर की एंड सो ऑन तो आपका दिसंबर दिसंबर की की लाइन आइटम्स आपकी पहले सिस्टम के अंदर शो हो उसके बाद फिर थर्ड फिर एंड सो ऑन इस तरीके से तो ये इसका ये पर्पज हर फील्ड का एक पर्पज होता है उस पर्पज की वजह से हम उसको डिफाइन करते हैं पे तो ये देखिए बात करने का मकसद है कि यहाँ पे जो मैं चीजें डिफाइन कर रहा हूँ इसकी कंफिग्रेशन बैक एंड पे हम कर चुके हैं ठीक है वो कंसल्टेंट जैसे हम एसपी इंप्लीमेंट करते हैं तो कंसल्टेंट अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर चुके होते हैं कन्फिग्रेशन कंप्लीट कर चुके होते हैं तो ये सारा काम फिर एंड यूजर करते हैं अब एक एंड यूजर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी जेडी में शामिल है कि उसने जीएल को मेंटेन करना है जीएल का मास्टर डाटा मेंटेन करना है तो वो एफ एस डबल जीरो देखिए यहाँ पे टी कोड भी आ रहा है ठीक है नीचे लिखा आ रहा है एफ एस डबल जीरो और मैंने यहाँ पे भी क्लिक किया था ये देखेंट डबल जीरो सबसे फर्स्ट प्यार है। तो आप कोई भी टी कोड आप देंगे अगर आपके पास उसकी ऑथराइजेशन होगी देन आप उसकी स्क्रीन के अंदर आ सकेंगे अदरवाइज सिस्टम आपको एर दे, दे देगा कि आपके पास इस टी कोड को यूज करने की ऑथराइजेशन नहीं है तो आप जिस बंदे के पास एफ एस डबल जीरो टी कोड यूज करने की ऑथराइजेशन होगी वही जीएल क्रिएट करेगा ऐसा नहीं होगा कि कोई भी बंदा अकाउंट्स पेपर का अकाउंट्स रिसीवेबल का या एसेट मैनेजमेंट का कोई भी बंदा आके यहाँ पे जीएल क्रिएट कर दे ऐसा नहीं होगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसी से पूछा जाएगा अगर वो अननेसेसरी जीएल क्रिएट करेगा अगर वो रॉन्ग जीएल क्रिएट कर देगा उससे पूछा जाएगा कि आपने ये जीएल क्यों क्रिएट किया व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट ओके तो ये सारी चीजें कंट्रोल में रहती हैं और किसी भी जगह पे आप डिट्रैक्ट नहीं हो सकते इसके बाद थर्ड टाइप में आते हैं हम तो यहाँ पे एक फील्ड स्टेटस स्टेटस ग्रुप ग्रुप आ रहा है फील्ड क्या होता है ये लिखा फील्ड स्टेटस ग्रुप ये ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फील्ड है इसका पर्पज क्या होता है कि आपका जो ये जो जी है ये मैं आपको यहाँ से डबल क्लिक करके दिखा भी देता हूँ इनके अंदर मल्टीपल फील्ड्स होती हैं जिनका स्टेटस होता है आपका स्टेटस कौन सा है सुप्रेस है रिक्वायर है यह ऑप्शनल है मींस कि आपने अपने इस जीएल को जब भी कहीं डॉक्यूमेंट पोस्टिंग में यूज करना है तो अगर आपने उसका टेक्स्ट रिक्वायर्ड कर दिया ये वाला चेक लगा दिया तो सिस्टम आपको उस जीएल की ट्रांजैक्शन में तब तक डॉक्यूमेंट पोस्ट नहीं करने देगा जब तक आप टैक्स की फील्ड में उसको कुछ ना कुछ लिख ना दें ठीक है कुछ फील्ड ऐसी होती हैं जो हम जो हमने यूज नहीं करनी होती हम उनको सुप्रेस कर देते हैं उससे क्या होता है कि वो फील्ड्स आपको डॉक्यूमेंट पोस्टिंग के टाइम शो ही नहीं होती नजर ही नहीं आती ठीक है नॉर्मली जिनकी हमें जरूरत नहीं होती ऑप्शनल में होता है कि अगर आप उसमें ऐड कर दें ठीक है अगर नहीं कर देंगे तो सिस्टम आपको रोकेगा नहीं सिस्टम आपको एंट्री uh, एग्जीक्यूट करने देगा बट अगर आपने कोई एंट्री रिक्वायर्ड में क्लिक कर दी तो वो डॉक्यूमेंट पोस्टिंग के टाइम एंट्री पोस्टिंग के टाइम आपको सिस्टम के अंदर वो एंट्री ला, लाजमी फिल करनी पड़ेगी लाइक अगर आपने टेक्स्ट है या असाइनमेंट नंबर है या वॉइस रेफरेंस कोई भी चीज आपने रिक्वायर्ड कर दी ठीक है तो ये होता है स्टेटस दिस इज कॉल्ड स्टेटस और ये फील्ड्स का स्टेटस होता है ये आपकी एक फील्ड है असाइनमेंट नंबर की है टेक्स्ट की है ये सारी चीजें फील्ड है अब ये फील्ड कहा <coughs> आज, आज की डेट आ रही एक जीएल क्रिएट करता हूँ उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट पोस्ट करके दिखाता हूँ ठीक है मैं यहाँ से वापस आता हूँ और ये फील्ड्स का स्टेटस है सारा कुछ आ गया ये मेरा कोड आ गया मैं इसके अंदर डॉक्यूमेंट पोस्ट करूंगा अभी आपके सामने ठीक है इसको मैं यहाँ से जैसे ही सेव करूँगा तो सिस्टम एक नई लाइन आइटम यहाँ पे शो कर देगा और ये देखें ऑफिस एक्सपेंस का नया अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया राइट इसको मैं अब इसी जीएल को यूज़ करूंगा अपनी डॉक्यूमेंट पोस्टिंग में बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी ऑथराइजेशन चेक करना चाह रहा हूँ एफ डैश ज़ीरो टू ये डी बोर्ड है डॉक्यूमेंट जनरल डॉक्यूमेंट पोस्टिंग के लिए आप देख रहे हैं सामने ए, एंट्री पे डॉक्यूमेंट पे हेडिंग पे आ रही एंटर अकाउंटिंग पोस्टिंग ओके तो अब यहाँ पे मैं ए, आज की डेट ही एंटर करता हूँ आज की डेट में डॉक्यूमेंट पोस्ट करता हूँ डॉक्यूमेंट डेट पोस्टिंग डेट तो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स हैं डिफरेंट इनके के कॉन्सेप्ट है जैसे आपने समटाइम देखा होगा कि हमारे पास कोई इन आती है तो इन की डेट कोई और होती है बट एक्चुअल में हमने उसको पोस्ट किसी और डेट में करना होता है तो उस टाइम इन का जो रेफरेंस डेट होती है वो हम डॉक्यूमेंट डेट रखते हैं और पोस्टिंग डेट हमारी वो होती है जिसमें हमने फाइनेंशियल इफेक्ट लेके आना आता है ठीक है तो पोस्टिंग डेट पे आपका फाइनेंशियल इफेक्ट आता है अब इसकी डॉक्यूमेंट टाइप है इसका एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है डॉक्यूमेंट टाइप क्या होती है हर डॉक्यूमेंट टाइप को एक नंबर है असाइन कर दी जाती है अगर आप एस की डॉक्यूमेंट टाइप ये स्टैंडर्ड की डॉक्यूमेंट टाइप है अगर आप इसको यहाँ से व्यू करना चाहें तो आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं ये देखिए मल्टीपल डॉक्यूमेंट टाइप्स हैं और हर डॉक्यूमेंट टाइप के साथ एक डॉक्यूमेंट नंबर रेंज असाइन कर दी जाती है वो आप कहाँ से देख सकते हैं उसके लिए एक टी कोड होता है कन्फिग्रेशन का है ओ बी ए सेवन लाइक यहाँ पे मैं अभी आपको एस ए की दिखा रहा था ना एस ए की डॉक्यूमेंट टाइप में क्लिक करता हूँ और ये जेल डॉक्यूमेंट इसको क्लिक किया इसकी नंबर रेंज में आए और अपना कंपनी कोड दिया आप देखिए इसको जीरो वन वाली नंबर रेंजेस साइन है <coughs> और अभी तक इसका जो डॉक्यूमेंट पोस्ट हो चुका है वन जीरो वन एट तक हो चुके हैं ये वाला जीरो वन का कोड इसको साइन हुआ है ठीक है तो अगर आप इसके अंदर जाके इसकी नंबर रेंज देखना चाहें और इसकी नंबर रेंज कहाँ से कहाँ तक है वो आप यहाँ देख सकते हैं ये सबसे फर्स्ट कॉलम में आपको नंबर रेंज का कोड आ रहा है जीरो वन ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के लिए ये नंबर रेंज साइन हुई हुई है ठीक है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपके डॉक्यूमेंट क्रिएट होंगे इसी तरीके से एक फाइव की सीरियल है उसमें फाइव के नंबर रेंज के डॉक्यूमेंट आएंगे फिर फोर्टीन है उसमें फोर्टीन के आएंगे ये मल्ट, ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट टाइप को ये नंबर रेंज अस, असाइन हुई हुई है ठीक है तो इसका जो लास्ट लास्ट डॉक्यूमेंट पोस्ट हुआ है वो वन जीरो वन एट हुआ इसके बाद नेक्स्ट जो होगा मैं जो आपके सामने करूंगा अभी क्रिएट वो वन जीरो वन नाइन होगा ठीक है मैं यहाँ से वापस आता हूँ इसको विधेयक रहने देते हैं हम डॉक्यूमेंट पोस्टिंग पे आते हैं अब यहाँ पे फोर्टी की की एक यहाँ पे यूज की जाती है जीएल डेबिट के लिए ये फोर्टी की पोस्टिंग की यूज की जाती है अगर आपने जी को डेबिट करना है तो फोर्टी की की यूज़ करेंगे अगर आपने जी को क्रेडिट करना है तो फिफ्टी की की यूज़ करेंगे ये पोस्टिंग कीज़ हैं ये भी सिस्टम हमें स्टैंडर्ड की देता है अगर आप इसको क्लिक करें तो आपको अंदर पोस्टिंग कीज़ नज़र आएंगी डिफरेंट ठीक है जीरो से लेके ऑनवर्ड आगे चलती है जो कि कस्टमर के लिए वेंडर के लिए जी के लिए डिफरेंट डिफरेंट है ठीक है ये सेवेंटी और सेवेंटी फाइव एसड के लिए होती है और यहाँ से ट्वेंटी वाली लाइन में जो है ये कस्टमर और वेंडर के लिए आ जाती हैं अगर आप कस्टमर शुरू में आ जाते हैं जीरो वन से लेके ऑनवर्ड ये सारी कस्टमर के लिए डी जो है ये कस्टमर को रिप्रेजेंट करता है और उसके बाद ट्वेंटी वन से ऑनवर्ड जो है ये डी इसके बाद आपका आ जाता है वेंडर आ जाता है ट्वेंटी वन से ऑनवर्ड ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर आगे सॉन्ग ठीक है यहाँ से वेंडर के लिए यूज होती है और उसके बाद फिर फोर्टी और फिफ्टी के बाद यहाँ पे जाके आपका जी आ जाता है ये जी रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है ये सारा वी से वेंडर आ रहा है सी से कस्टमर आ रहा है ठीक है इससे पीछे कस्टमर और ए से एसेट आ रहा है ठीक है ये इस तरीके से हमारी पोस्टिंग कीज होती है तो मैं फोर्टी से जी को डेबिट कर ये देखिए आप लिखा भी है यहाँ पे फोर्टी ये फोर्टी की की है डेबिट एंट्री और जीएल जी फॉर जीएल ठीक है मैं इसको क्लिक करता हूं अब यहां पे मैं लाके जीएल को सर्च करूंगा जो मैंने आपके सामने अभी क्रिएट किया है अब मैं फॉर एग्जांपल यहां पे बाय नेम भी सर्च कर सकता हूं मैं ऑफिस लिख के स्टेरिक के बीच में ऑफिस लिख के मैं एंटर करता हूँ तो ऑफिस से रिलेटेड जो भी जीएल होगा वो यहाँ करेगा ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट बट अगर मैं स्टेरिक नहीं लगाता मैं ब्लैंक छोड़ के एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो जितने भी जीएल इस कंपनी कोड के अंदर मतलब होंगे सारे सिस्टम मुझे शो कर देगा ये सारे जीएल्स क्रिएट हो हुए ठीक है तो ये सीरियल वाइज आ रहे हैं तो मुझे कौन सा सेलेक्ट करना है मुझे ये वाला करना है ऑफिस एक्सपेंस का ये वाला ठीक है ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट मैं इसको क्लिक करता हूँ ये मैंने अभी आपके सामने क्रिएट किया है एंटर किया तो नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गए यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल uh, कोई अमाउंट ट्वेंटी थाउजेंड की अमाउंट ऐड कर देता हूँ अब ये वो फील्ड हैं ये डिफरेंट फील्ड हैं जिनके डिफरेंट स्टेट हैं बट यहाँ पे कोई भी फील्ड का स्टेटस मैंडेटरी नहीं है इसलिए हमें सिस्टम जो है वो बाईपास कर देगा हमें जाने के लिए जो है वो अलाउ कर देगा रोकेगा नहीं अब ये वो फील्ड है जैसे असाइनमेंट नंबर थी टैक्स मैंने आपको दिखा रहा था कि कौन जो जिस फील्ड को भी आप मैंडेटरी कर दें कि वो हमें लाजमी फिल करना होगा यहाँ पे आप टैक्स ऐड कर देते हैं लाइक ऑफिस एक्सपेंस में यहाँ पे टैक्स ऐड कर देता हूँ और उसके बाद दोबारा फिर मैं पोस्टिंग की, की फील्ड भी आ गया हूँ अब मैं फिफ्टी से जी को क्रेडिट करूंगा मीन्स कि अब मैं इस एक्सपेंस को पे कर रहा हूँ पे कर रहा हूँ कैश में कर रहा हूं तो मैं कैश के जीएल को क्रेडिट करूंगा यहाँ से कैश के जीएल का बाई नेम भी सर्च कर सके मैंने ये सिलेक्ट किया कैश अकाउंट एंटर किया उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गई ये हमारी क्रेडिट साइड है इसके ऊपर आप स्टेरिक लगा के भी अमाउंट उठा सकते हैं और अगर आपने वैसे अमाउंट लिखनी है तो वैसे भी लिख सकते हैं बट स्टरिक इसलिए लगाया जाता है इन केस अगर आपने रॉन्ग आपकी फॉर एग्जाम्पल आपने एक जीरो कम लगा दिया ये एक जीरो ज्यादा लगा दिया तो आपको सिस्टम जो है वो मिस्टेक से बचा लेगा आप यहाँ पे स्टेरिक लगा के एंटर करेंगे ठीक है इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट आप दोबारा एड कर देंगे यहाँ पे एक बटन है ऑप्शन आ रही है डिस्प्ले ओवरव्यू ठीक है डॉक्यूमेंट को ओवरव्यू करेंगे अब ये एंट्री आपके सामने बिफोर पोस्टिंग आपके सामने शो हो चुकी है जिसके अंदर ये आपकी कोड भी आ रहा है फोर्टी की, की पोस्टिंग की आ रही है फिफ्टी की पोस्टिंग की आ रही है और ये आपके कोड आ रहा है ठीक है ये वाला आपका एक्सपेंस का था ऑफिस एक्सपेंस का और नीचे वाला कैश का आ गया ठीक है आगे उसकी डिस्क्रिप्शन भी आ गई कि ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट आ गया ठीक है और ये ट्वेंटी थाउजेंड प्लस के साथ ट्वेंटी थाउजेंड माइनस के साथ डेबिट और क्रेडिट की एंट्री आपके सामने सिस्टम शो कर रहा है अब ये ऊपर वाला सारा डॉक्यूमेंट हेडर का डाटा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट पोस्ट हो रहा है वो इस डेट में हो रहा है ठीक है और इसकी डॉक्यूमेंट टाइप ये वाली यूज़ की जा रही है और उसकी कंपनी कोड ये है करेंसी ये है और उसके बाद आपका फिजकल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर है क्योंकि हम अगर जुलाई टू तो जून फिजकल ईयर की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान तो जुलाई से हमारा फिजकल ईयर स्टार्ट होता है तो उसके अकॉर्डिंगली अभी दिसंबर में हम सिक्स पीरियड में ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के सिक्स पीरियड में बैठे हैं ठीक है थीके? तो ये सिक्स पीरियड और ट्वेंटी ट्वेंटी फोर अब ये सिस्टम को कैसे पता चला कि मैंने आज की डेट एंटर की तो सिस्टम को कैसे पता चला कि ये पीरियड है और और का है ये हमने पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट फिस्कल ईयर वेरिएंट डिफाइन करने होते हैं ठीक है थीके? और उनको भी इस कंपनी कोड के साथ लिंक किया हुआ ये भी कन्फिग्रेशन का पार्ट है ये भी हमारे इस ट्रेनिंग के अंदर हम ये भी काम करेंगे ये सारा प्रोसेस हम करेंगे पूरी कन्फिग्रेशन करके दिखाएंगे हम आपको और आप भी अपने उपर, अपने सिस्टम्स के ऊपर अपने अपने यूजर्स के ऊपर आप भी सारी अपनी कन्फिगरेशन करेंगे ऐसे ही कन्फिगरेशन करेंगे जैसे एक कंसल्टेंट करता है किसी भी कंपनी में एस को इम्प्लीमेंट करते हुए ठीक है कोई भी फीको का कंसल्टेंट जब एस को इम्प्लीमेंट करता है तो उसमें वो जो जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनकी जो जो उसकी आ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो जो परफॉर्म करता है वो सारी हम एक्टिविटी यहाँ पे इस ट्रेनिंग सेशन में आपसे भी करवाएंगे ताकि आपको भी अगर कल को किसी जगह पे एज ए कंसल्टेंट काम करने का मौका मिलता है तो आप वहां पे अपनी एक्टिविटीज को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें ठीक है तो ये ए, जो भी हमने अपना ईयर या पोस्टिंग पीरियड उसको कंपनी कोड के साथ लिंक किया होता है उसकी बेस के ऊपर सिस्टम ये उठाता है ठीक है जैसे अभी मैंने जीएल की क्रिएशन के टाइम सिस्टम ने ए, मैंने उसमें अकाउंट ग्रुप वैर सेलेक्ट किया तो सिस्टम ने मुझे फॉरेन एट दे दिया क्योंकि मैंने कंपनी कोड के साथ उसको असाइन किया हुआ कि मेरा जो जीएल है वो एक अकाउंट एक्सपेंस के अकाउंट ग्रुप के अंदर उसकी नंबर रेंज फोर से होगी और एसेट के अकाउंट ग्रुप के अंदर उसकी नंबर रेंज वन से स्टार्ट होगी अब इसको यहाँ से सेव करता हूँ और ये देखिए मेरा वन जीरो वन नाइन डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया अभी मैं आपको दिखा के आया था वहां पे वन जीरो वन एट हुआ था लास्ट ठीक है अब आगे जाके देखें तो वन जीरो वन नाइन शो हो चुका होगा मैं एंट्रोवल को क्लिक करता हूँ तो ये देखिए वन जीरो मीन्स के अब यहाँ पे सिस्टम जो है वो आ, इसको अपडेट करता जाता है हमारा लास्ट डॉक्यूमेंट कौन सा पोस्ट हुआ है इस नंबर रेंज के अंदर फो, आ, फोर्टीन की नंबर रेंज में जो लास्ट डॉक्यूमेंट पोस्ट हुआ है वो फाइव का हुआ है फिफ्टीन में जो लास्ट हुआ है वो एट हुआ है एटीन वाले में वन हुआ है और नाइनटीन वाले में थ्री हुआ है ठीक है और जिसमें अभी तक कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं हुआ उसमें अभी जीरो आ रहा है तो इस तरीके से हम हर चीज़ को कंट्रोल में रखते हैं उनको किसी भी चीज़ को किसी भी टाइम हम जाके सिस्टम के अंदर व्यू कर सकते हैं चेक कर सकते हैं अपना स्टेटस देख सकते हैं अब ये जो मैंने आपके सामने डॉक्यूमेंट पोस्ट किया है इसको अगर आप डिस्प्ले करना चाहें तो इधर से भी कर सकते हैं फ़ौरन आप ऊपर से ऑप्शन क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करेंगे तो ये आपका डॉक्यूमेंट आपके सामने डिस्प्ले हो गया ऑफिस एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट ठीक है ये आपका सिर्फ एक डॉक्यूमेंट डिस्प्ले हुआ है अगर आप पूरा लेजे देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक टी कोड होता है एफ बी एल थ्री एन ये देखें जीएल लाइन आइटम के लिए ठीक है जीएल लाइन आइटम अगर आपने देखनी है तो आप जीएल का पहले कोड कोरिया से सर्च करेंगे जिसके लिए हमने ट्रांजेक्शन देखनी है मैं यहां से बाय नेम सर्च कर लेता हूँ ऑफिस लिखे ये हमारा ऑफिस एक्सपेंस का है ऑल आइटम को क्लिक करेंगे और आज की डेट तक जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी अभी तो एक ही पोस्ट हुई वो सिस्टम हमें दिखा देता है तो ये देखें ट्वेंटी थाउजेंड की एक ट्रांजेक्शन एस ए की डॉक्यूमेंट टाइप के साथ ये ये डॉक्यूमेंट का नंबर है ये आ, ये हमारी डॉक्यूमेंट डेट है और ये पोस्टिंग की डेबिट हुआ था इसी तरीके से ये कौन सा है ऑफिस एक्सपेंस का अगर मैं दूसरा कैश का ओपन करूंगा तो उसमें यहाँ पे फिफ्टी की, की आ रही होगी क्योंकि वो वाला इस ट्रांजेक्शन में वो वाला क्रेडिट हुआ था ये वाला डेबिट हुआ है बट अगर आप इसको इधर से क्लिक करते हैं यहाँ पे ओवरव्यू में आते हैं तो ये आपको एंट्री सिस्टम इधर भी दिखा देगा आप किसी भी लाइन आइटम के अंदर रहते हुए भी अपना डॉक्यूमेंट व्यू करना चाहें तो वहां से भी कर सकते हैं Separately आप एफ बी जीरो थ्री में एक टी कोड होता है एफ बी जीरो थ्री एफ बी जीरो थ्री ये एक टीकोट होता है आप किसी भी डॉक्यूमेंट को ये लास्ट वाला सिस्टम ने वही उठा के हमें दिखा दिया मैं एंटर करूंगा तो सिस्टम आप इधर भी आप डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकते हैं तो मल्टीपल जगहों से मल्टीपल चीजों को आप देख सकते हैं व्यू कर सकते हैं इसी को हम इंटीग्रेशन कहते हैं कि हमारी चीजों की इंटीग्रेशन इस तरीके से होती है कि आप एक जगह पे डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं उसका इफेक्ट डिफरेंट जगहों पे जाता है आप कहीं से भी जाके किसी भी जगह से जाके कोई भी चीज अभी व्यू कर सकते हैं बट जिस बंदे के पास ऑथराइजेशन होगी जिस यूजर के पास ऑथराइजेशन होगी इन टी कोड्स की वही देख सकता अदरवाइज uh, जिनके पास ऑथराइजेशन आपके टी कोड्स की नहीं होगी आपके एरिया की तो वो आपकी टी चीज़ों को नहीं देख सकते है, ठीक है हर बंदे की अपनी अपनी जो उसकी फील्ड होती है उसका एरिया होता है उसी के टी कोड्स की ऑथराइजेशन उसके पास होती है बाकी चीज़ों को वो नहीं देख सकता या चेंज अगर करना चाहे या कुछ भी करना चाहे क्रिएट करना चाहे डिलीट करना चाहे वो नहीं कर सकेगा तो ये इस तरीके से हम चीजों को डिफाइन करते हैं ठीक है अभी हम यहाँ पे बैकहेंड से चीजों को डिफाइन में अभी आपको चार्ट ऑफ अकाउंट का प्रोसेस बता रहा था कि चार्ट ऑफ अकाउंट जब हम डिफाइन कर देते हैं उसको जीएल की लेंथ बता देते हैं उस जीएल की लेंथ की बेस के ऊपर सिस्टम हम आगे जाके हम उसकी जीएल की क्रिएशन करते हैं अब इसके बाद मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने दिखाता हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि मैंने सिक्स कैरेक्टर तक का उसको बताया कि हमारी जो जीएल की लेंथ है वो सिक्स तक होगी मैंने अपने इस चार्ट ऑफ अकाउंट इस कंपनी कोड के अंदर सिस्टम की कंफिग्रेशन के अंदर ये डिफाइन कर दिया है अब बाई मिस्टेक मैं चाहता हूँ कि जी मुझे जी जो है वो बड़े चाहिए एट करेक्टर तक एट लेंथ तक चाहिए या इवन के सेवन तक चाहिए तो मैं एक नया नंबर ऐड कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल अब जो नेक्स्ट इसका नंबर है वो मैं एक नंबर इसका और बता देता हूँ ठीक है मैं सेवन डिजिट्स कर देता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब ये सेवन डिजिट्स हैं मैं एंटर करूंगा ठीक है और मैं इसके बाद इसमें बाकी अपनी चीज़ें इनपुट करता हूँ लाइक ट्रैवलिंग एक्सपेंस का कर देता हूँ वो पहले से क्रिएटर है फूड एक्सपेंस कर देते हैं एंटर किया है और बाकी चीज़ें हमने डिफाइन की हैं और मैं इसको सेव करता हूँ जैसे ठीक है सिस्टम मुझे जब रेड साइन जब भी आप के आ, पे आपको रेड का, का एरर आ गया तो समझ ले सिस्टम ने आपको पकड़ लिया सिस्टम आपको एक स्टेप भी आगे नहीं जाने देगा तो अब एरर क्या कह रहा है सिस्टम अकाउंट ग्रुप एक्सपेंस ओनली डिफाइंड फॉर अकाउंट्स फोर जीरो से लेके फोर जीरो वन टू जीरो जीरो तक वो कह रहा है कि आपको जो अकाउंट ग्रुप के अंदर एक्सपेंस के अकाउंट ग्रुप के अंदर जो आपने नंबर रेंज बताई हुई है सिस्टम को वो तो ये बताई हुई है तो आप कैसे इसका जीएल की लेंथ जो है वो बढ़ा सकते हैं इसका जीएल जो है उस रेंज से बाहर कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो सिस्टम हमें नहीं करने देगा ठीक है तो ये चीज होती है अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ठीक है ये मैं नहीं करता हूँ मैं वापिस आ जाता हूँ मैं सेव नहीं करता हूं इसको अगेन एफ एस डबल जी में आते हैं और मैं दोबारा एक्सपेंस के इसमें आता हूँ मैं इस कॉपी फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग जी को यूज़ करते हुए अगर आपने कॉपी यूज़ करना कॉपी फंक्शन यूज़ करना है तो उसका मतलब होता है कि सारी फील्ड्स आपकी एग्जिस्टिंग डेटा एग्जिस्टिंग जी की आ जाएंगी अगर आपने ये क्रिएट का ऑप्शन है क्रिएट करना है तो आप क्रिएट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आप आ, के सामने मींस के कॉपी एज ए रेफरेंस आपके पास नहीं आएगा जब मैं क्रिएट को क्लिक करता हूँ सिर्फ दो फील्ड्स आती हैं एक जीएल अकाउंट की और एक कंपनी कोड की बट अगर मैं कॉपी फंक्शन को यूज़ करता हूँ तो उस टाइम मेरे पास फोर फील्ड्स आती हैं दो तो वो जो मैंने अपडेट कर रही हैं और दो कौन सी हैं जो कि एज ए रेफरेंस में यूज़ कर रहा हूँ जिनको एज ए कॉपी फंक्शन मैंने यूज़ किया है ठीक है तो ये डिफरेंट प्रोसेस होते हैं डिफरेंट तरीकों से आप क्रिएट uh, कर सकते हैं यहाँ से अगर आपने व्यू करना है तो यहाँ से कर सकते हैं अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं यहाँ से डिस्प्ले कर सकते हैं यहाँ से फाइंड कर सकते हैं ठीक है अगर आपने ब्लॉक करना है अपने जीएल को तो यहाँ उस कर सकते हैं ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ केस कि के आपका कोई जीएल आगे फर्दर आप यूज़ नहीं करना चाह रहे क्योंकि जीएल जब आप यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं वो आप उसको डिलीट नहीं कर सकेंगे ब्लॉक फॉर पोस्टिंग कर सकते हैं डिलीशन का फ्लैग लगा सकते हैं बट ब्लॉक फॉर पोस्टिंग का ये होता है कि अगर इन फ्यूचर आपको कभी फ्यूचर में उसको दोबारा अनब्लॉक करना पड़ता है उसमें पोस्टिंग करनी पड़ती है तो आप उसको अनब्लॉक भी कर सकते हैं तो अब मैं एक और जीएल क्रिएट करता हूँ बट उसकी लेंथ में क्या करता हूँ एक कम कर देता हूँ एट डिजिट कम कर देता हूँ ठीक है इसके फाइव डिजिट्स हो गए मैंने एंटर किया इसको क्लिक किया अगेन मैं सारा कुछ यहाँ पे चेंज कर देता हूँ और फूड एक्सपेंस का ही मैं ले लेता हूँ इसको मैं सेव करता हूँ तो सिस्टम अगेन वही एरर देगा कि आपकी नंबर है ये है तो आप नहीं क्लियर कर सकते तो ओके फाइन तो ये चीज़ होती है कि जो हम बे, बेसिकली ये डिफाइन करने का या एक्सप्लेन करने का पर्पज़ ये था कि जो आपको बताना है कि जो चीज़ें हम डिफाइन कर देंगे सिस्टम के अंदर कन्फिगर कर देंगे उसकी बेस के ऊपर ही हम आगे फ्रंट एंड पे अपनी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे जो फ्रंट एंड पे बैठ के लोग काम कर रहे होते हैं एंड यूजर जो काम कर रहे होते हैं वो कभी भी हमारे कंफिग्रेशन से बाहर जाके काम नहीं कर सकते जो हमने कंफिगुरेशन में चीजें डिफाइन कर दी होती हैं उन्हीं के अंदर रहते हुए वो अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं और जो भी एक्टिविटीज हो रही होती है जैसे मैंने आपको डाटा के अंदर भी दिखाया टेबल्स के अंदर भी दिखाया कि सारा डाटा हमारा सेव हो रहा होता है अब मैं इस जीएल को ब्लॉक करता हूं ठीक है यहाँ से मैंने ब्लॉक किया इसको बट उसके लिए मुझे एक स्टेप बैक आना पड़ेगा एक स्टेप बैक आके एफ एक्स डबल जीरो एक्सपेंस को मैंने क्लिक किया इसको क्लिक किया और इसको मैंने यहाँ से ब्लॉक किया ठीक है और ब्लॉक फॉर पोस्टिंग ब्लॉक फॉर पोस्टिंग कंपनी कोड लेवल पे भी और इधर भी मैंने चार्ट ऑफ़ अकाउंट लेवल पे मैंने दोनों पे उसको ब्लॉक करके इसको सेव कर दिया अब मैं इसी जी को दोबारा यूज़ करता हूँ ट्रांजेक्शन में एफ डैश ज़ीरो मैंने डेट डाल दी आज की और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं यहाँ पोस्टिंग की आ गई यहाँ पे मैंने अपना जीएल सर्च किया ये मैंने जी एल की इधर एंटर किया सिस्टम ने फिर मुझे एरर दे दिया कि जी एल दिस इज़ ब्लॉक फॉर पोस्टिंग कि आपका ये जी एल पोस्टिंग के लिए ब्लॉक है आप इसमें ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते अब मैं इसको दोबारा अनब्लॉक कर देता हूँ दोबारा इसको मैंने अनब्लॉक कर दिया अब दोबारा कराता हूँ ठीक है एक स्टेप बैक आना पड़ेगा हमें स्लैश एंड से आप स्क्रीन से बाहर आते हैं ठीक है इसको क्लिक किया तो स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे और दोबारा अगर आप अंदर आना चाहें तो एफ डैश जीरो मैंने जी जीएल एंटर किया आप देखें सिस्टम ने मुझे दोबारा फिर एंट्री करने दी ऑफिस एक्सपेंस का ही जीएल था ठीक है बट पहले उसने मुझे रोक दिया आप दोबारा अलाउ कर दिया मीनस के हम जो भी चीजें बैक एंड से डिफाइन कर देंगे या जो भी चीजें हम इवन के फ्रंट एंड से भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जैसे अभी मैंने ब्लॉक अनब्लॉक किया ये फ्रंट एंड का एक्टिविटी है तो आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फ्रंट एंड से करते हैं बट आफ्टर द कन्फिग्रेशन ठीक है कन्फिग्रेशन में हमने डिफाइन कर दिया कि एसेट के अकाउंट ग्रुप के अंदर एक्सपेंस के अकाउंट ग्रुप के अंदर लाइबिलिटी के अंदर कौन कौन से नंबर रेंज तक हमारे जीएल क्रिएट होंगे बट उसी के अंदर रहते हुए हम आगे फिर जीएल को क्रिएट भी कर सकते हैं उनको ब्लॉक भी कर सकते हैं उनको फ्लैग और डिलीशन का डिलीशन का फ्लैग भी लगा सकते हैं उनको अगर हमने चेंज करना है उसके अंदर कुछ करना उसकी फील्ड को कुछ चेंज करना है उसके अंदर वो भी हम कर सकते हैं एफ एस डबल जीरो के अंदर रहते रहते हैं जैसे अगर आपने कुछ चेंज करना है फॉर एग्जांपल ऑफिस एक्सपेंस को हमें बाद में, में आ, आ, हमें पता चला कि ये रियलाइज हुआ कि हमारा ये जीएल ऑफिस एक्सपेंस का नहीं था हमारा तो ये फूड एक्सपेंस का था तो हम उसकी डिस्क्रिप्शन चेंज भी कर सकते हैं फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हूँ, सामने डाटा शो हो गया ये सारा मास्टर डाटा है ठीक है आपके सामने जो मैंने यहां पे क्रिएशन की इस जीएल की मास्टर डाटा था फिर इसके बाद मैंने जो उसके अंदर ट्रांजेक्शन पोस्ट की वो ट्रांजेक्शन डाटा था फिर उसके बाद मैंने आपको जो उसकी लाइन आइटम या उसका डिस्प्ले लेजर डिस्प्ले करवाया वो उसका लाइन आइटम की डिस्प्ले का लेजर था जिसको हम रिपोर्ट भी कहते हैं ठीक है यानी कि आप मास्टर डाटा क्रिएट करते हैं फिर देन ट्रांजेक्शन डाटा पोस्ट करते हैं देन आप उसका लेजर या उसकी रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं तो ये सारी चीजें स्टेप बाई स्टेप होती हैं तो अभी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन चेंज करता तो उसके लिए मैं ये चेंज मोड में आऊंगा ठीक है इसको क्लिक किया तो जैसे क्लिक किया ये सारा चेंज मोड में आ गया मैं इसको बैक्सपेज करता हूँ फूड एक्सपेंस का मैंने यहाँ पे ऐड किया और इधर भी मैंने फूड एक्सपेंस की प्लस इसको एंटर किया और यहाँ सेव कर दिया मेरा डाटा सेव हो गया मुझे सिस्टम ने कोई एरर नहीं दिया ठीक है अब मैं इसको स्लैश एन से हम स्क्रीन से बाहर जाते हैं अगर हम दोबारा फिर इसी स्क्रीन में आना चाहें तो दोबारा फिर आगे का टी कोड एफ एस डब्लो तो मैं दोबारा ऐड करता हूँ मैंने क्या किया स्लैश एन स्लैश एन का मकसद होता है आप इस स्क्रीन से बाहर जाएंगे और स्लैश एन के बाद का क्या मकसद होता है जो टी कोड आप एंटर कर देंगे उसी स्क्रीन में दोबारा वापस आ जाएंगे और अगर आप यहाँ से स्लैश एन करके कोई और टी कोड किसी और स्क्रीन पे स्विच करना चाहें फ्रॉम दिस स्क्रीन अगर आप इस स्क्रीन स्क्रीन से किसी और स्क्रीन पे स्विच करना चाहें तो आप स्लैश एन के बाद वो उस स्क्रीन का टी कोड ऐड कर दें जहां पे आप जाना चाहते हैं तो सिस्टम यहाँ से डायरेक्ट आपको उस स्क्रीन पे ले जाएगा बट मैं इसी स्क्रीन पे रहना चाहता हूँ लेकिन बाहर से होके दोबारा आना चाहता हूँ मैंने इसलिए वही टी कोड एंटर किया तो सिस्टम मुझे फिर उसी स्क्रीन पे अंदर ले आया अब यहां से मैं इसको क्लिक करता हूँ देखें तो मेरा इसका डिस्क्रिप्शन चेंज होगी टेक्स चेंज हो गया इसका इसका नेम मैंने चेंज किया था वो अब चेंज हो गया ठीक है पहले इसका ऑफिस एक्सपेंस था फूड एक्सपेंस हो गया अब इसकी डिस्क्रिप्शन इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं तो ये हमारी फ्रंट एंड की एक्टिविटी होगी जो हमने बैक एंड पे चीज़ें डिफाइन की थी उसकी बेस पे हम दोबारा फिर बैक एंड पे आते हैं अब ये नहीं का एक आ, मैंने आपको बताया था रिटेनर्निंग का अकाउंट हम एक स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर एक, एक डिफाइन कर देते हैं रिटेनर्निंग का अकाउंट क्या होता है जब किसी भी हमारे करंट फिजिकल ईयर की करंट फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है हमारे जो फाइनेंशियल्स बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस जो भी निकलता है हमारा ठीक है उसकी जब क्लोजिंग होती है हमारा नेट प्रॉफिट या लॉस निकलता है वो हमारे एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर जीएल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है इन द नेक्स्ट फिजिकली फिजिकल ईयर ठीक है तो वो जिस जीएल के अंदर ट्रांसफर होता है वो हम यहाँ पे सिस्टम को बता देते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जो पहले से मैंने डिफाइन किया हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने अपने चार्ट ऑफ अकाउंट के लिए पहले से डिफाइन किया हुआ है ये मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट आ गया और यहाँ देखें ये मैंने जी पहले से डिफाइन इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन क्या होती है बेसिकली क्या होता है इसको ऑफसेट एंट्री भी कहते हैं इसको इंटीग्रेशन भी कहते हैं इसको अकाउंट डिटर्मिनेशन भी कहते हैं डिफरेंट टर्म्स यूज की जाती है इसमें क्या होता है कि हम एक किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर जैसे हम जब हम टैक्स की कंफिग्रेशन करते हैं तब भी ऐसा ही होता है हम टैक्स कोड को एक जी एल असाइन कर देते हैं और उस टैक्स कोड की बेस के ऊपर जो जी उसको साइन होता है ठीक okay. तो उस जीएल की बेस के ऊपर हमारी जो ट्रांजैक्शन होती है जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारी जो रिटेन अर्निंग होता है रिटेन अर्निंग का जीएल हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं उस उस जब भी हमारी फाइनेंशियल क्लोजिंग होती है तो हमारे जो करंट फिजिकल ईयर का जो नेट निकलता है प्रॉफिट या लॉस की शक्ल में वो इस पर्टिकुलर जी ईयर के अंदर पोस्ट हो जाता है बट इन द नेक्स्ट फिजिकल ईयर क्योंकि हमने ये यहाँ पे जो जीएल डिफाइन कर दिया इसको इंटीग्रेट कर दिया इसको हमने यहाँ पे जो है इसको हम इंटीग्रेशन भी कहते हैं इसको हम ऑफसेट ऑफसेट अकाउंट भी कह सकते हैं और इसको हम अकाउंट uh, डिटर्मिनेशन भी कहते हैं देखिए यहाँ पे लिखा है कन्फिग्रेशन ऑटोमेटिक पोस्टिंग मीन्स कि यहाँ पे जो हम जीएल डिफाइन कर देंगे उसके अंदर ऑटोमेटिक पोस्टिंग होगी जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि टैक्स की कन्फिग्रेशन के, के, के अंदर भी हम अपने टैक्स कोड्स को कुछ जीएल uh, असाइन कर देते हैं इनपुट और आउटपुट का ये जो भी टैक्स हमने असाइन करना होता है फिर उस जीएल के अंदर हम डायरेक्ट पोस्टिंग नहीं करते उन जीएल्स के अंदर ऑटोमेटिक पोस्टिंग होती है जब भी टैक्स की कैलकुलेशन होती है टैक्स की लाइन आइटम ऑटोमेटिकली उस उन पर्टिकुलर जीएल्स के अंदर जाके पोस्ट हो जाती है सिमिलरली जब हमारी फाइनेंशियल क्लोजिंग होगी तो इस पर्टिकुलर जीएल के अंदर जाके ऑटोमेटिकली एंट्री पोस्ट हो जाएगी हम इसमें डायरेक्ट पोस्टिंग नहीं करेंगे नो वॉइस आवाज नहीं आ रही मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है ये सर आ रही आवास। आवास है आवाज आवाज क्लियर बिल्कुल ओके मिस्टर जेब खान आपको आवाज नहीं आ रही तो मेरे ख्याल से कोई नेट का इशू ना हो चेक कर लें इसको ओके तो यहाँ पे बेसिकली हम मैं बता रहा था कि जो जीएल हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं हमारी फाइनेंशियल क्लोजिंग जैसे एक अभी एग्जांपल आपके सामने आई इस तरह मल्टीपल एग्जांपल्स आपके सामने आएंगी ठीक है जिसमें हम अपनी कन्फिग्रेशन के अंदर सिस्टम की कन्फिग्रेशन के अंदर हम सिस्टम को बता देते हैं कि हमारा जो ये पर्टिकुलर जीएल है इसके अंदर आटोमेटिक एंट्री पोस्ट होगी कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जैसे एफ एस डबल जीरो के अंदर हम कुछ ऐसे जीएल डिफाइन करते हैं जिनके अंदर हम डायरेक्ट पोस्टिंग नहीं करनी होती तो हम यहाँ पे एक चेक लगा देते हैं फिर आगे हमारे कंट्रोल अकाउंट कुछ यूज़ होते हैं वो मैं आपको आ, आगे जाके दिखाऊंगा अभी यहाँ पे बल्कि ये कस्टमर रिकन अकाउंट आ रहा है ठीक है अब इसके अंदर एक स्पेसिफिक प्लेस होती है ये वाली ठीक है रिकन अकाउंट फॉर अकाउंट टाइप अब यहाँ पे अगर हमारा वो क्योंकि देखें हमारे जो जीएल्स कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम कंट्रोल अकाउंट बोलते हैं कस्टमर के कंट्रोल अकाउंट्स या वेंडर के कंट्रोल अकाउंट ठीक है उनका क्या पर्पज होता है जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं इसी तरीके से हम बैलेंस शीट के अंदर भी अपने कस्टमर्स के या वेंडर के बैलेंसेस को हम डायरेक्ट बाय नेम नहीं लेके जा सकते मीन्स के हमारे बैलेंस शीट के अंदर जो कस्टमर वेंडर के बैलेंसेस रिफ्लेक्ट होते हैं शो होते हैं वो कस्टमर की बाई कस्टमर्स या वेंडर के बाई नेम वहाँ पे शो नहीं होते वो कैसे शो होते हैं वो हम उनको इन जी के थ्रू लेके जाते हैं जो कि हमारे कंट्रोल अकाउंट होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कस्टमर का कोई कंट्रोल अकाउंट है और उस कस्टमर और हमारे पचास कस्टमर्स हैं लोकल के कस्टमर हैं पचास कस्टमर हैं ठीक है, है उन सारे कस्टमर्स का कंट्रोल अकाउंट एक ही है तो क्या होगा हम उस कस्टमर के मास्टर डाटा के अंदर एक स्पेसिफिक प्लेस होगी वहां पे हम एक ये वाला कोड असाइन कर देंगे अभी मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ कि कस्टमर के मास्टर डाटा के अंदर हम एक जीएल असाइन कर देंगे और उस कस्टमर के अंदर जब भी हमारी डॉक्यूमेंट पोस्टिंग होगी वो ऑटोमेटिकली उस जीएल के अंदर पोस्टिंग होगी वो जब हम यहाँ पे ये वाला जीएल ये वाला चेक लगा देंगे कस्टमर का या वेंडर के लिए वेंडर का तो फिर वो कस्टमर का लगाएंगे तो कस्टमर के रिकन के तौर पे यूज होगा

जैसे एफ एस डबल जीरो में मैंने आपको जीएल का मास्टर डाटा दिखाया अब मैं आपको कस्टमर का दिखा रहा हूं अब ये देखें ये मस्ट कस्टमर का नाम क्या है टेक टूल प्राइवेट लिमिटेड ये कस्टमर का नाम है और ये उसका मजीद आगे डाटा है उसकी इन्फॉर्मेशन है ठीक है पेमेंट ट्रांजेक्शन है कंपनी कोड लेवल पे आते हैं अगर हम तो ये देखें यहाँ पे एक जीएल आ रहा है ठीक है क्या लिखा है रिकन अकाउंट रिकन अकाउंट मीन रिकनसिलेशन अकाउंट अगर आप यहाँ से क्लिक करते हैं है, वन इसको सर्च करता हूँ देखें क्या है

ठीक है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से मैं इसको मैंने डिस डिलीट कर दिया राइट अब मैं इसको दोबारा यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ मैंने इसको क्लिक किया तो सिस्टम ने मुझे दिखा दिया कि आपका ये कस्टमर अकाउंट यहाँ पे रिकन अकाउंट यहाँ पे शो हो रहा है ओके मैंने कहा ठीक है अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस जी के अंदर यहाँ पे ये वाला अकाउंट चेंज इसकी ये स्टेटस चेंज कर देता हूँ इसको क्लिक किया चेंज मोड में लेके आए इसको मैंने ब्लैंक कर दिया और इसको मैंने सेव किया अब ये करने नहीं देगा मोडिफिकेशन रिकन अकाउंट नॉट मैं एक और क्रिएट करता हूँ आपके सामने इसको हम नहीं करते FSW. मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पे किसी भी जीएल का जो स्टेटस कर देंगे मेंटेन कर देंगे वही स्टेटस हमारा उस कस्टमर के वेंडर के मार्स के अंदर रिफ्लेक्ट होगा जैसे मैं एक नया रिकर्न क्रिएट करता हूँ कस्टमर के लिए एक नया रिकर्न अकाउंट क्रिएट करता हूँ और उसका मैं कोड रख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल टू फाइव टू सिक्स टू सिक्स एग्जिस्ट करा ओके टू सेवन कर लेते हैं और मैं इसका कस्टमर रिकन अकाउंट फॉरन

रिकनसेशन अकाउंट लगाने लगा हूँ तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि वो यहाँ पे रिकन शो ही नहीं हो रहा जो फॉरन क्लेम मैंने डिफाइन किया क्रिएट किया वो यहाँ पे तो क्यों नहीं शो हो, हो रहा तो मैं इसको आइडेंटिफाई करूंगा चेक करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे जो इसका मास्टर डाटा क्रिएट किया था उसमें ये मैं चेक लगाना भूल गया ठीक है अब मैं दोबारा इसमें आता हूँ मैं इसको चेंज कर देता हूँ क्योंकि जब तक आप इसमें अभी आपकी ट्रांजेक्शन पोस्ट नहीं होगी तब तक तो आप इसको चेंज कर सकते हैं मैं अब दोबारा इसमें आता हूँ और इसको कस्टमर का रिकन अकाउंट का जो मैं चेक वो लगा के इसको दोबारा सेव कर दूंगा अभी देखिए अभी मुझे सिस्टम इसलिए करने दे रहा है कि अभी इस जी के अंदर कोई ट्रांजैक्शन पोस्ट नहीं हुई जब इसमें कोई ट्रांजैक्शन पोस्ट हो जाएगी कस्टमर बैटर के अंदर पहले से अपडेट हो जाएंगे देन फिर उसका स्टेटस हमें चेंज नहीं करने देगा सिस्टम ठीक है इसलिए हमने वो प्रीवियसली इसीलिए सिस्टम मुझे एरर दे रहा था चेंज नहीं करने दे रहा था अब मैं दोबारा मास्टर डाटा में आता हूँ कस्टमर के अब मैं दोबारा यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिए दो जी शो हो गए लोकल का भी था और ये दूसरा फॉरेन का भी शो हो गया जो कि पहले नहीं हो रहा था क्यों शो हुआ क्योंकि मैंने अभी आपके सामने उसका स्टेटस चेंज किया है ठीक है अगर मैं दोबारा फिर उसका स्टेटस चेंज करता हूँ तो सिस्टम दोबारा फिर उसको डिसअपेयर कर देगा मैं दोबारा चेंज मोड में लेके आता हूँ सॉरी ये वाला ठीक है मैं इसमें लेके आता हूँ और दोबारा फिर यहाँ से मैं इसका चेक हटा देता हूँ इसको सेव कर देता हूँ और तो दोबारा जाके मैं फिर दोबारा सर्च करता हूँ तो दोबारा फिर यहाँ भी सिस्टम एक डिसअपेयर कर देगा डिसअियर हो गया सिर्फ एक शो होगा मीन्स के जो जिस चीज जो भी जी या जो भी मास्टर डेटा जिस पर्पज के लिए क्रिएट किया जाएगा वो तभी उस आगे उसकी पर्टिकुलर प्लेस पे शो होगा जब उस जिस पर्पज के लिए हमने इसको क्रिएट किया था जब उस पर्पज के लिए क्रिएट हो जाएगा तो बेसिकली uh, मैं बात कर रहा था कि जब हम किसी भी पर्पज़ के लिए कोई चीज़ डिफाइन करते हैं कोई मास्टर डाटा डिफाइन करते हैं तो वो जिस पर्पज़ के लिए हमने उसको क्रिएट किया होता है अगर हम वो फुलफिल कर देते हैं वो रिक्वायरमेंट अपनी कंप्लीट कर लेते हैं देन वो उस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर शो होगा अदरवाइज अगर वो किसी वजह से हम उसको uh, उसके अंदर कोई मिसिंग हो जाती है कोई चीज़ हम इनकम्प्लीट uh, रह जाती है तो वो तब तक, तक वहाँ पे शो हो नहीं होगा जब तक कि हम उसका वो जो रिक्वायर्ड डाटा होगा या रिक्वायरमेंट उसकी होगी वो कम्पलीट फुलफ़िल नहीं कर देते ठीक है तो ये बेसिकली ये पर्पज़ होता है मैं इसको दोबारा वो जो का अकाउंट था मैं उसको ये सेव कर देता हूँ जो पहले वाला था ठीक है अभी यहाँ से ये शो हो रहा है मैं यहाँ से वापस आ जाता हूँ और ये जो मैंने दूसरा बनाया था इसको भी मैं इसका चेक चेंज कर देता हूँ यहाँ पे कस्टमर के लिए ताकि आगे फ्यूचर में अगर हम इसको यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकें और ये इस तरह के जो जी होते हैं इनके अंदर हम डायरेक्ट पोस्टिंग नहीं कर सकते सिस्टम हमें अलाउ नहीं करता ठीक है जैसे मैं एफ टाइम जीरो टू में एक एंट्री करता हूँ मैं यहाँ से एस सर्च करता हूँ ये सिलेक्ट करता हूँ सिस्टम मुझे एरर दे रहा है कि कह रहा है अकाउंट दिस इज इन कंपनी कोड कैन नॉट बी डायरेक्टली पोस्टेड कि आप इसको इसमें डायरेक्ट पोस्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसको जो रिकनसलेशन uh, अकाउंट का जो चेक लगाया हुआ है जिसमें मैंने कस्टमर सेलेक्ट किया है जो जिस भी जीएल को हम वो वाला चेक लगा देंगे उसमें हम डायरेक्ट पोस्टिंग नहीं कर सकेंगे ठीक है तो सिस्टम को ये हमने सारी चीजें डिफाइन कर देनी है तो सिस्टम ने फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने हमें आगे से उसका बिहेव होगा उसका बिहेवियर उसने हमें दिखाना है तो फिर उससे ये होगा कि हम चीज़ों को अगर बाई मिस्टेक हमसे जो है वो कोई गलत ट्रांजेक्शन हो रही है जैसे कि ये बाई मिस्टेक ये रॉन्ग ट्रांजेक्शन में कर रहा हूँ ठीक है तो सिस्टम मुझे उधर ही रोक देगा कि आप इस जीएल के अंदर डायरेक्ट पोस्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि इसको आपने एज ए रिकंसिलेशन अकाउंट क्रिएट किया हुआ एज ए कंट्रोल अकाउंट क्रिएट किया हुआ और आपने इस जीएल को कस्टमर्स uh, के मास्टर डाटा के अंदर यूज किया हुआ है तो आप इसके अंदर डायरेक्ट पोस्टिंग नहीं कर सकते आप जब किसी कस्टमर के अंदर इन्वाइस वेंट और उसकी पेमेंट पोस्ट करेंगे देन ऑटोमेटिकली इस जीएल के अंदर ट्रांजेक्शन पोस्ट होगी ठीक है तो इसलिए आप इसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते अगर आप इसको देखना चाहें तो मैं इसको इसका डिस्प्ले आपको दिखा देता हूँ एफ पी एल थ्री में

ये तब तक पेंडिंग रहेंगी तब तक, तक आपकी ओपन पड़ी रहेंगी जब तक इनकी पेमेंट ये इनकी क्लियरिंग नहीं हो जाती ठीक है और नीचे वाली जो ग्रीन है इनके ऊपर लेके आएंगे तो इसके ऊपर वर्ड लिखा आ रहा है क्लियर और रेड के ऊपर लेके आएंगे तो लिखा हुआ आ रहा है ओपन ठीक है तो ये बेसिकली आपकी इन्वाइस होती हैं या आपकी कुछ ऐसी पेमेंट्स होती हैं मैनुअल पेमेंट्स आपने की होती है जिनको बाद में क्लियर नहीं किया होता तो वो रेड पड़ी रहती हैं तब तक जब तक आप उनको क्लियर नहीं कर देते जब आप क्लियर कर देंगे तो उसकी वो रेड से निकल के ग्रीन में चली जाएगी तो ये सारी वो लाइन आइटम्स हैं जो ऑटोमेटिकली uh, इस जीएल के अंदर पोस्ट हुई हैं हैं इसको कहते इंटीग्रेशन या ऑटोमेटिक पोस्टिंग ठीक है इसमें हम डायरेक्ट पोस्टिंग नहीं कर सकते तो, दिखाया है, के लिए, तो इस तरीके से हम चीजों को डिफाइन करते हैं चीजों को से अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक एरिया दिखाया है जीएल के लिए ठीक है तो बहरह इस तरीके से हम चीजों को डिफाइन करते हैं कन्फिगर करते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर उनके इफेक्ट्स जो होते हैं वो फ्रंट एंड पे हमें आते हैं और हम उस उस uh, उन कैटेगरीज uh, के अंदर रहते हुए या उन डिफाइन की हुई चीज़ों के अंदर रहते हुए हम अपनी चीज़ों को फ्रंट एंड पे यूज़ भी करते हैं और क्रिएट भी करते हैं और उनको चेंज भी कर सकते हैं अपडेट भी कर सकते हैं जो भी हमारी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं हम उस लिमिट के अंदर रहते हुए कर सकते हैं बट आउट ऑफ द लिमिट हम जा नहीं जा सकते तो ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ तक था और इसमें अगर कोई क्वेश्चन किसी का कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं

तो थोड़ा सा अपना थोड़ा सा स्पीड को मतलब स्टेप बाई स्टेप इसके लेके चलते हैं क्योंकि आई डोंट नो कि यहाँ पे मेरा तो खुद थोड़ा सा बैकग्राउंड है फाइनेंस का लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि बिल्कुल न्यू होंगे तो एक ने मतलब अपने सारा कह से हमने ब्लॉक कर दिया यहाँ से हम पे 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 जाएंगे ये आप पे जाएंगे ये 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 ना तो थोड़ा सा उसको स्टेप स्टेप करके कि यहां इस के के साथ ये जो बटन है ये मतलब सेविंग के लिए से होते हैं या जो जो आइकन जिस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं हाँ जब वहाँ पे कर्सर लेके जाते हैं तो वहां पे तो सेव या कोई कैंसिल का वो शो होगा तो मुझे समझ आ जाएगा लेकिन अगर आप डायरेक्टली इतना स्पीड बेशक मतलब कुछ दिनों के बाद आप बेशक स्पीड थोड़ा सा वो कर दे। लेकिन इनिशियली वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी अच्छा शाहन, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा बेसिकली हमारा आज का और जो कल का सेशन था ये बेसिकली आप समझ है इसमें नहीं मैंने नहीं। आप लोगों को ओवरव्यू दिया है बट ये जिस दिन आप लोगों के पास यूजर होंगे आप लोगों के पास एसएपी की एक्सेस होगी यूजर की ठीक है और मैं आपके सामने सारा कुछ डिफाइन करूंगा फ्रॉम इनिशियल टू ऑनवर्ड ठीक है उस दिन मैं जिस तरीके से डिफाइन करूंगा वो मैंने फर्स्ट स्टेप तो आपके सामने अभी अभी तक किया ही नहीं है एग्जैक्टली सबसे फर्स्ट स्टेप होता है वो हमारा होता है वो मैं आपके सामने अभी आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ एक्सपेंस पोस्टिंग और अदर पोस्टिंग पर अप्रूवल असाइन होती हैं और इनका इंपैक्ट फाइनेंशियल पर कब होगा एक्सपेंस पोस्टिंग और अदर पोस्टिंग पर अप्रूवल असाइन अप्रूवल से मुराद आपकी क्या है कि आपका एक्सपेंस होगा कि नहीं होगा है? जी शहर यार थोड़ा सा वॉइस में आपको बताइएगा ओके okay. इस पे हमारे एस के अंदर एक डॉक्यूमेंट पार्किंग का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है ठीक है तो जब हम डॉक्यूमेंट को जो हमारा इस तरह का डॉक्यूमेंट uh, होता है एक्सपेंस है या कोई भी है एक्सपेंस से हट के भी हो सकता है ठीक है तो जो अंडर कंसिडरेशन होता है उसको हम डायरेक्ट पोस्ट नहीं करते उसको पहले हम पार्क करते हैं पार्क में ये होता है कि उसका फाइनेंशियल इफेक्ट आपके लेजर के ऊपर नहीं आता सिस्टम के अंदर सेपरेट लाइन आइटम तो शो होती है बट वो उसका फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं आता उसके अंदर आपके पास प्रोविजन होती है अगर आप उस लाइन आइटम को आपका अप्रूव नहीं हुआ या कि इनकेस कोई भी इशू हो जाता है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं सिस्टम के अंदर से आपके लेजर से वो डिसअपियर हो जाता है बट अगर वो अप्रूव हो जाता है तो आप उसको फिर पार्किंग के कॉन्सेप्ट से पार्किंग के जो है उसकी ए, 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 स्टेटस से कन्वर्ट कर देते हैं पोस्टिंग में उसका पूरा एक प्रोसेस होगा वो इनशाला हमारा एक टॉपिक भी है पार्किंग डॉक्यूमेंट और पोस्टिंग डॉक्यूमेंट ठीक है पार्क डॉक्यूमेंट को हम डिलीट कर सकते हैं बट पोस्टिंग डॉक्यूमेंट को हम डिलीट नहीं कर सकते उसको हम रिवर्स ही करते हैं ठीक है रिवर्सल का और डिवी डिविजन का क्या कॉन्सेप्ट है ये हमारा सेपरेट टॉपिक भी है बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ रिवर्सल वो होता है जिसकी लाइन आइटम सिस्टम के अंदर हमेशा रिफ्लेक्ट होती है शो होती है लेजर के अंदर ठीक है बट ये डिलीशन का कॉन्सेप्ट ये है कि वो डिसअपियर हो जाती लाइन आइटम वो सिस्टम में शो नहीं होती बाकी मिस्टर दूसरे जो थे साहब उनका मैं क्वेश्चन थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ देखिए हमारा जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो एंटरप्राइज uh, स्ट्रक्चर में आएंगे, डेफिनेशन में आएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएंगे

जी जी मैं बेसिकली ये चीज़ इसलिए कर रहा हूँ कि ये चीज़ें दूसरी चीज़ों का ओवरव्यू मैं इसलिए दे रहा था कि थोड़ा सा आपको ये बताना चाह रहा था कि एस के अंदर बैक एंड से हम जब कंफिग्रेशन करते हैं तो फ्रंट एंड पे जी. उनके इफेक्ट किस तरीके से रिफ्लेक्ट होते हैं बट जो जिस दिन आप लोगों के यूजर आप लोगों के पास होंगे मैं आप लोगों को जीरो से स्टार्ट लेके चलूंगा उस दिन में ऐसे ही डिफाइन करूंगा चीज़ों को सबसे पहले कंपनी डिफाइन करूंगा उसका नाम एक लिखूंगा कंपनी का नाम लिखूंगा उसकी करेंसी मेंटेन करूंगा उसका एड्रेस मेंटेन करूंगा अब ये तो हालांकि बेसिक चीजें एड्रेस तो हर हाँ किसी को पता है कि कंपनी का एड्रेस होता हा, नुबर, नुबर है हाउस नंबर स्ट्रीट नंबर वन टू थ्री और लाहौर कराची इस्लाबाद जो भी अपने एड्रेस में बट ये हमारी रिक्वायरमेंट होगी हमने ये चीजें सारी डिफाइन करनी है और मैं आपके सामने डिफाइन करूंगा ठीक है और ये जब मैं आपके सामने पूरे लाइव सेशन में डिफाइन करूंगा देन उससे अगले दिन या उसी दिन मतलब आफ्टर द क्लास आफ्टर द सेशन आप वो सारी प्रैक्टिस अपने सिस्टम के ऊपर खुद करेंगे और नेक्स्ट क्लास में अगर आपको उस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर या उस सेटिंग के अंदर आपको कोई एरर आया होगा तो आप मेरे से शेयर करेंगे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे देन हम आगे चलेंगे ठीक है तो हम इस तरीके से ईच एंड ऐसा नहीं होगा कि हम उसको मतलब बाईपास करेंगे या भागेंगे आगे पीछे पीछे वाली चीजों को छोड़ के ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होगा जब तक हमारी चीजें कवर नहीं होंगी हम आगे नहीं जाएंगे और जब हर बंदे की चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मैं तो आपको बता दूं कि हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं पार्टिसिपेंट्स जो हमारे बैच चल रहे होते हैं उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका अकाउंटिंग फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं होता प्योरली आईटी का बैकग्राउंड है या किसी बंदे का सेल्स का बैकग्राउंड है तो उनकी ज़ाहिर है वो कॉन्सेप्ट उस तरीके से क्लियर नहीं हो पाते जो कि एक फाइनेंस का बंदा कर सकता है लेकिन हम उनको भी साथ लेके चलते हैं कि उनके भी अगर किसी जगह पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या उनको डाउट है तो हम उनको भी साथ लेके चलते हैं तो आप तो माशाल्लाह वैसे भी अकाउंटिंग uh, को समझती हैं सारे तो आपको आपके लिए तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा तो इनशाला किसी जगह पर भी आपको अगर ये क्यूरी आएगी ना कि आपको कोई डाउट आएगा तो आप शेयर कीजिएगा इन उसका हम सोल्यूशन लेके देन आगे जाएंगे ठीक होगी सर थैंक यू और इसके अलावा किसी का और कोई क्वेश्चन चले गुड ठीक है जी जी क्वेश्चन आया है ओके okay, चलिए ठीक हो गया तो ये हमारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट आएंगे आप लोगों की तरफ से जिस तरह थ्यूरीज आ रही जैसा अभी ये अप्रूवल वाला एक सब जो यह है शहरियर की तरफ से एक क्वेश्चन आया था इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे और हर चीज की सिस्टम के अंदर प्रोविजन है हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वैसे तो हमारे पूरे कोर्स का पार्ट है ईच एंड एवरी हम इनशाला इसमें कवर करेंगे बट ये है कि जब आपकी तरफ से क्यों आएगी तो और स्पेशली हम उसको फोकस करके जो है वो डिस्कस करेंगे और आप आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे एस के अंदर क्लियर होंगे ओके okay? ओके सर थैंक यू थैंक यू वेरी मच कल सेवन तो, थर्टी भी आपसे दोबारा मुलाकात होगी सॉरी सेवन ओ दोबारा मुलाकात होगी तो ओके okay? हाफिज़